जॉइंट फैमिली की जय हो। स्वामी, ये सोलो लाइफ से बहुत चिढ़ हो रही है। आधार कार्ड के लिए जाता हूं तो सब सबूत मांगते हैं। दुनिया के हर कोने से लाकर आपको एक फ्रेम में रखता हूं, एक परिवार की तरह। उसी तरह मुझे भी एक बड़ी फैमिली फ्रेम में भेजकर मुझे भी एक बड़ी फैमिली दीजिए। Many happiness of the day. Thank you, daddy. दीदी, चलो हम लोग केक काटते हैं। वैशु को कॉलेज में एडमिशन मिल गया भैया। हॉस्टल में रहने का इंतजाम भी कर दिया है। बहुत अच्छा कॉलेज है। दीदी ने मेरे चेहरे पे मेरी बर्थडे पे केक लगाया था। आज हम दीदी के चेहरे पे लगाएंगे। नहीं, अच्छा ठीक है, मुझे लगा दो। हाँ बस हो गया ना, चलो निकलो जाओ। ओफो डैडी, आप भी ना। कोई बात नहीं बेटी। डैडी, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अरे ये क्या, बर्थडे तुम्हारा है तो मुझे क्यों गिफ्ट? आप जैसे डैडी मुझे मिले, यही मेरा गिफ्ट है। लव यू डैडी। लव यू टू। ठंडे पे ठंडा पीने से कुछ नहीं होगा जी, मेरी बात को सीरियसली लीजिए। फेसबुक, यूट्यूब, मैट्रिमोनियल, ऐसे कितने सारे साइट है सर, यूज कीजिए ना सर। कुछ कहूँ तो 40 साल से इस फील्ड में हूँ कहते हैं, पर एक रिश्ता सेट नहीं कर पा रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? क्या हुआ, बुरा लगा क्या? ठंडा खत्म हो गया। वो तो आ जाएगा, मेरी शादी का क्या होगा? फाइनली एक बात पूछता हूँ, इस जन्म में मेरी शादी एक अच्छी जॉइंट फैमिली में होना मेरे भाग्य में है या नहीं? ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं बता सकते, हाथ के निशान ले लीजिए, पूजा करवा दीजिए, अन्नदान करवा दीजिए, कुछ तो करिए सर। ये फोटो देखो, बहुत अच्छी है सर। बहुत अच्छी फैमिली की है। और अच्छी बात है, और लड़की के दादा दादी भी जिंदा है। किसी भी तरह होके करवाइए ना। पर ये लड़की पीएच है। एमएससी बीएससी से तो सुपर है ना। पीएच क्या मतलब, पीएचडी या एमएससी नहीं। हाँ, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, लड़की का एक पैर नहीं है। कोई बात नहीं जी, जयपुर का पैर लगवा के चला लूंगा। पैर लगा के काम चला लोगे तो ठीक है, पर उसके 3 बच्चे भी हैं। आर्मी में उसके पति ने जान गंवा दी थी। रामचंद्र प्रभु, आज से उस लड़की को अपनाकर मैं अपने बच्चे की तरह रखूंगा जी। हाँ सुनिए सर, कहाँ खो गए सर? यहाँ पर तो कितनी सारी बड़ी फैमिली है। कुछ शादियां तो अपनी मर्जी से होती हैं, कुछ लोग तो भाग के शादी करते हैं और बाद में प्रॉब्लम होती है। उससे अच्छा तो ये है कि ऐसी लड़की को अपना के मैं खुश रहूं। मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का करो, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए। हा? अरे मैंने लंदन की कोई लड़की ढूंढने को नहीं कहा जो ऐसे देख रहे हो मुझे। लगता है बड़ा चालाक पंडित है, पता नहीं मेरी शादी कराएगा नहीं कराएगा। छे, डस्ट डस्ट डस्ट, माय गॉड, प्यून ठीक से सफाई नहीं करता है। काजल, अभी तक तूने गुड मॉर्निंग नहीं कहा। घूमो, ये शर्ट है, वॉल पोस्टर है। इसमें क्या हुआ सर? ए, ड्रेस कोड गौतम, ड्रेस कोड। ये हमारा रेडीमेड शोरूम नहीं है, ये हमारा सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है। हमें कपड़े पहन के घूमना जरूरी है या काम करना? दोनों जरूरी है। सानिया मिर्जा को क्या जरूरत है शॉर्ट ड्रेस पहन कर टेनिस खेलने की? राहुल गांधी क्या मॉडर्न ड्रेस नहीं पहन सकता है? उसे क्या जरूरत है खादी पहन कर देश भर घूमने की? ड्रेस कोड, वो ड्रेस कोड ही हमें आम लोगों से, हम लोगों को और लोगों से बिल्कुल सेपरेट दिखाता है। सुपर एक ऐसा ड्रेस पहनने से काम से मन भी नहीं भटकता है। तुझे पता है ये समझना आत्मविश्वास होता है, सिर्फ मुझे ही पता है समझना इसे अहंकार कहते हैं। फिर से कहो। कुछ नहीं सर, आत्मविश्वास और अहंकार के बीच का फर्क समझा रहा था। बहुत बढ़िया है, आपको अच्छा लगा तो कहने के लिए मेरे पास और भी है। हद से ज्यादा एक्सपेक्ट करने वाले टीम लीडर और हद से ज्यादा गुस्सा करने वाले एमडी दुनिया में कहीं भी राज नहीं कर पाए। सुपर यार। सर, भगवान की बनाई चीजों
में से काम आने वाली सिर्फ दो ही चीज है, एक आप है और एक मैं हूँ। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, अनबिलीवेबल। अगर आपको इतने ही अच्छे लगे हो तो हिंदी में और भी चुटकुले सुनना चाहेंगे? काम करो, अभी जितनी भी हिंदी फिल्म रिलीज हुई है वो सारी फिल्में देखो, उसमें जितने भी पंच डायलॉग है वो सब लिख के लेके रहा हूँ मैं, उसे यहाँ हर जगह लगा दूंगा, पूरा स्टाफ पढ़कर जोर से काम करेंगे। बाप रे बाप, ऐसे तुम हजारों लाखों में होंगे, उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती सर। एक काम करो, कहानी की किताब कहानी उसे पढ़ो लिख कर, फिर लिखो हाँ, फिर मेरे पास लाओ, वरना ऑफिस में मत आओ। तकलिया बाजू हटो, तुझे देखा तो ये जाना सनम। कुछ बात बनी क्या सर? ये क्या सर, पैर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, और ऊपर से कोई दहेज भी नहीं चाहिए सर। उसे एक पैसा भी नहीं चाहिए, सामने से दहेज भी देगा, ऐसा बोला मैंने उसे। प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ शायद, इसलिए वो कुछ सोच रहे होंगे। अभी कुछ ही दिनों में आंध्रा बैंक में जॉब लग जाएगा। जॉब प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, वो एग्री नहीं हो रहे हैं। किसी भी तरह उन्हें कन्विंस करो, तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा। हाँ कमीशन, कमीशन तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या कमीशन तक है? लो रखो अपना कमीशन, रखो। सर गलती से मुझसे निकल गया सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आजकल जॉइंट फैमिली ही रेयर हो गई है, और उसमें से तुम्हें लड़की चाहिए। उस चश्मे से लड़की को देखो, किसी हीरोइन से कम नहीं है। जैसी है लाइफ सेट कर लो, खुद का ऑफिस, छोटा सा घर, अच्छी सी पत्नी, दोनों एक साथ मिलकर ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, फिर शाम को एक साथ मिलकर घर जाएंगे। उसके बाद फिर तुम्हारी मर्जी, जो चाहो वो करो, कोई पूछने वाला नहीं। तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी ना। मेरी लाइफ तो बहुत बकवास हो गई सर, 25 साल से अकेला ही रह रहा हूँ मैं। रिश्ता क्या होता है मैं बचपन से नहीं जानता। किसी भी तरह ज्वाइंट फैमिली की लड़की मिल गई तो उसकी पूरी फैमिली मेरी फैमिली हो जाएगी, मेरा भी सपना है। एक ज्वाइंट फैमिली की लड़की से शादी करूंगा तो लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी। पत्नी को बेडरूम में बुलाने के लिए आंखों से इशारा करना, और अगर प्राइवेसी चाहिए होगी तो कुछ ना कुछ बोल के होटल में स्पेंड करना, और फिर घर अनजान बन के लौटना, हमारे साथ खाने के लिए 10 लोग बिना खाए वेट करना। सोचने पर ही कितना अच्छा लग रहा है। वैसे भी जिंदगी में बनाने के लिए कोई बड़े सपने नहीं है। पत्नी का बाल पे हाथ फेरते हुए मुझे नींद से जगाना, साले का आकर पेपर देना, साली का आके कहना कि पानी गर्म हो गया है, तैयार होकर नीचे आऊं तो छोटी सास, मामी, चाची सबका थोड़ा थोड़ा खाना परोसना, मैं जब ऑफिस से घर को लौटूं तो सभी साथ में आके मेरा स्वागत करना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। है ना, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। थैंक यू सर। हाँ, पर ऐसी लड़की तेरी जिंदगी में आएगी भी या नहीं, और है भी तो कहाँ है, कैसी है? बेटा प्लीज लिसन टू मी, हमें टाइम पर फोन करते रहना, और टाइम पर तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके चलता हूँ मैं। क्या हुआ, घर वापस चलोगी? नो डैडी, मैं यहाँ रह लूंगी। हे बोलो, चलोगी घर? नहीं, रह लूंगी। टेक केयर प्लीज। ओके बाय बाय। ए, कौन हो तुम, क्या करती हो? ए, तुम यहाँ पे? ये सब अपना ही है, 10 दिन पहले ज्वाइन किया था। तुम इतनी डल क्यों लग रही हो, होमसिक है क्या? डैडी सिक। इस एज में लड़कियों को लड़कों का सिक होना चाहिए। तुम ये क्या मम्मी डैडी लेकर बैठ गई हो? ये सब तुम नहीं समझ पाओगी। ठीक है चलो, वार्डन को कहकर दोनों को एक ही रूम देने को कहते हैं। लिफ्ट में किसी तरह रोक दे, एक सिगरेट मार के चलते हैं। रोक, रोक। ए सत्या, सिगरेट देना। अरे किधर हो तुम? आ रही हूँ बाबा, 5 मिनट। आज तो इसका काम तमाम। ए, निकल बाहर। अरे जल्दी आना तू। हाँ ठीक है। क्या तेरे पापा ने इन्वेंट किया है जो बार बार यूज कर रही है? क्या बे, अकेली लड़की को देख के छेड़ रहा है? एक दूंगी ना तो गुलाब जामुन बन जाएगा। हाँ वो दिख रहा है, और वही खा के तो इतनी मोटी हो गई है तू। क्या बे ज्यादा बोल रहा है, एक चप्पल मारूंगी ना। तू क्या मारेगी? आंखें क्या अपनी हैंडबैग में लेके घूमती है? तेरे बाप की तो... बाप के बारे में बोलता है, तुझे मेरा बैकग्राउंड पता है? अरे कौन सा बैकग्राउंड है तेरा, एक दूंगा तो बगार बन जाएगी ना। मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे बैकग्राउंड मतलब पिछवाड़ा नहीं, परिवार। अरे छोड़ ना, कुतिया भी बड़ी फैमिली खोगी तो क्या शादी कर लेगा? एक बार देखना उसका फेस कैसा, बेस कैसा। पर मेरी लाइफ बन जाएगी यार। जाकर पूछ। एक्सक्यूज मी, पिताजी क्या करते हैं आपके? वो हमारे शहर के एमएलए हैं। वैसे माँ बहन भैया जीजू सभी? वो सब कोई नहीं है, मैं और मेरे पापा। तभी से तू पापा पापा कह क्या हुआ यार? देखना यार, शराबी लोग सुबह सुबह पीकर आते हैं। शराबी और गरीबी तो ठीक नहीं होगा। चुप रहे, एक मिनट प्लीज सर, ये थोड़ा गुस्से वाली है सर। अरे हमसे नहीं बोलते बोलिए सर। लेकिन इसको चर्बी कुछ ज्यादा चढ़ गई है। हां तू चर्बी ही है सर।
मेरी नहीं सर। को समझाने नहीं हाँ, तो फट जाएगी किसी दिन। हाँ, मैं उसे समझा दूंगी सर। इस एरिया में कहीं दिखाना साले कार के नीचे कुचल देगा। तेरे बाप के सिवा तेरी फैमिली में और कोई नहीं है। जैसी तो है, पता नहीं क्या खाती है। चल चल। पिताजी, वो तो ऐसे ही कहेगी ना, अगर उसको पीने की आदत रहेगी तो एक साथ मिलकर फूल पी सकते हैं। इसमें से तीनों में डाल दे, घर जाते समय बचा रहेगा। बेटा शोना, क्या चल रहा है रे? अरे कुछ नहीं बाप। मतलब तू मुझसे छुपाना भी शुरू कर दिया? क्यों, मैं मर गया था क्या? इतना पराया हो गया मैं? कुछ भी हो, शेयर करना पड़ेगा। हाँ, मेरा भी पैक बना। वॉल केयर मत दिखा, ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। क्या हुआ रे? सुबह से लेफ्ट साइड के सीने में दर्द उठ रहा है यार। तूने तो सिगरेट बंद कर दिया था ना, अब वापस शुरू कर दिया पीना? अबे इससे नहीं है यार। तो फिर? अबे सुबह उस लड़की से झगड़ा हुआ था ना। उस मोटी से कनेक्ट तो नहीं हो गया है? नहीं, वो लड़की नहीं है। अरे बीच में एक लड़की प्लीज सर कहते हुए आई थी ना, तब से वो मेरे ख्यालों में बार बार आने लगी है। ऐसा लग रहा है कि वो मेरे लिए ही पैदा हुई है। भगवान की दया से अगर उसकी एक बड़ी फैमिली हुई ना, तो इस दुनिया में मेरे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं होगा यार। वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, सारी डिटेल्स निकाल यार। ये तो भगवान का काम है, तू ही कर दे। भगवान का काम मैं कैसे कर सकता हूँ? गौतम, समझ गया गौतम, बचपन से ही तेरा माँ और बाप तो मैं ही हूं ना गौतम। समझ गया गौतम, डिटेल्स निकाल लूंगा। धर्मो रक्षिता भिक्षामी, मतलब धर्म करने वालों को भीख मांगना ही पड़ता है। माता दो, माता। वैसे बीच घूमने चलेगी क्या? एक भगवान के नाम पे दे दीजिए, एक रुपया दे दीजिए। तो शर्म नहीं आती, चल भाग यहां से। पाप ऐसे ही थोड़ी धुलेंगे। माता, कौन है पितू? धर्म कर दो माता। कमीना, कहीं का ऐसे सभी लोगों को ले जाकर अंडमान में फेंक देना चाहिए, तभी कहीं जाकर सिटी क्लीन होगी। इतनी मोटी होकर चमन्नी दे रही हो? नहीं, पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम लिख देती हूँ, चल। ए छोड़ ना यार, इसके पैर भी नहीं है। माता, एक रुपया हो तो दे दो, अच्छी फैमिली वाली लग रही हो। सच में तुम लक्ष्मी माता हो? माता, आपका नाम क्या है माता? वैष्णवी। ओहो, माँ बाबू जी गाँव में रहते हैं है ना, और भाई बहन भाभी? गाँव में। अच्छा, चाचा चाची दादा दादी वो सभी गांव में ही रहते हैं। मतलब तुम्हारा बड़ा परिवार? बिल्कुल, बहुत बड़ा परिवार है। हमें भी वैसा ही परिवार चाहिए। ए, भिखारी कहेंगे, इतनी सारी डिटेल क्यों पूछ रहे? ऐसे सब अच्छे से रहे, भगवान से प्रार्थना करूंगा। थैंक यू। अपना तो काम हो गया। ये फ्रेंड बनकर कुछ नहीं होता, कुछ आता जाता तो है नहीं। मतलब ये मेरा प्रोफेशन तो नहीं है, बस फ्रेंड के लिए भीख मांगनी पड़ी। कसम से, यकीन करो, भागो। अरे कभी कभी हो जाता है। स्वतंत्र भारत देश में भी भीख मांगने की स्वतंत्रता नहीं है। अबे मेरे लिए भी एक चाय बोल। ए, ये भिखारी कौन है? कौन है? मार साले, मार साले। मैं। अबे तू हिंदी फिल्मों के हीरो जैसे बने? अबे उसका पता निकालने के लिए ये सब करना पड़ा, समझा? वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, कुछ पता चला क्या? कोई फायदा नहीं है, वो लड़की तुझसे सेट नहीं होगी। कोई बात नहीं, ये लड़की नहीं तो कोई और सही। किसी भी तरह एक जॉइंट फैमिली की लड़की से शादी करने तक मुझे आराम नहीं मिलेगा। आराम नहीं, डायरेक्ट अभी कार्ड ही छपाने पड़ेंगे। हाँ, हम आपका है कौन फिल्म जैसा, उस लड़की की भी बहुत बड़ी फैमिली है, तेरा लाइफ सेट है। उस लड़की का नाम वैष्णवी है। अच्छा? उसके पापा का नाम रघुपति नायडू। उस लड़की के भाई बहन भाभी चाचा चाची माता मासी बुआ दूर की नजदीक के, बाप रे कितनी बड़ी फैमिली है उसकी। अगर तू उस लड़की को लाइन में लगा लिया तो तेरा तो लाइफ सेटल हो जाएगा रे। Oh my, yeah, yeah, yeah.
भाई उसे तो बुलाओ, ले गई है जो दिल मेरा मुड़ मुड़ के, ढूंढो मैं उसे यहाँ वहाँ, ले गई है जो दिल मेरा छुप छुप के। खाना पीना सोना वो ना भूल गया हूँ मैं, उसके ही बारे में सोचू यारो डे नाइट, हाथों में लेके वो रोज लव यू जो कह दे मुझे, सच कहता हूँ बन जाएगी लाइफ कसम से। माय आई आई या दिलाई लाई, ओ माय आई आई या, यारो कोई उसे तो बुलाओ, ले गई है जो दिल मेरा मुड़ मुड़ के। सुनिए टीम लीडर जी, स्वीट लीजिए। किस खुशी में? आज मेरा बर्थडे है। हाय बॉस, टुडे इज माय बर्थडे। गौतम, तुमने अपना लास्ट जन्मदिन कब मनाया था? सिर्फ लास्ट ईयर ही नहीं बॉस, मुझे तो मेरा जन्मदिन ही नहीं पता, इसलिए कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। मेरे सपनों की रानी मुझे मिल गई है, इसलिए हर साल इसी दिन मेरा बर्थडे होगा। कुछ और भी है, स्वीट भी, बस शाम को रूम में आ जाना, पार्टी करेंगे। Hey, great man. Happy birthday to मुझे नहीं सर, आप लीजिए। Happy birthday. तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो क्या है सर? हमारा एयरसेल ऑफिस यूएस में भी लॉन्च होने वाला है। यहाँ से 10 बेस्ट एम्प्लॉय को बॉस ने वहाँ भेजने को कहा है। लिस्ट में पहला नाम किसका है पता है? कौन सर? तुम्हारा है। ये गिफ्ट है, पूरा मूड खराब कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना अमेरिका। कम ऑन मैन, अमेरिका इज फुल ऑफ डॉलर, पफ, पार्क, वेव, कम ऑन। वो सबसे क्या खुशी मिलेगी सर? मुझे अमेरिका में जॉइंट फैमिली नहीं मिलेगी सर। अरे, माँ से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इतना बेकार होता है सर। आई हेट इट सर। स्टॉप द नॉनसेंस। लाइफ में मेहनत करने वाला ही हीरो होता है, यू नो दैट। मेरी नजर में कैरियर के लिए मेहनत करने वाला हीरो नहीं होता सर, फैमिली के लिए सोचने वाला हीरो होता है। आई वांट अ फैमिली, आई वांट टू बिकम अ हीरो। यू आर गोइंग टू अमेरिका, दैट्स इट। सॉरी सर, जरूरत पड़ी तो यहाँ भी छोड़ दूंगा। व्हाट? और वैसे भी मैं आपको स्वीट खिलाकर 2 महीने के लिए छुट्टी मांगने आया था। 2 महीने के लिए छुट्टी क्यों? मेरे सपनों की रानी अभी मुझे मिली है सर, काफी बड़े परिवार से है सर वो,
पटाने के लिए 2 महीने लग जाएंगे। तुम्हें लाइन मारने के लिए 2 महीने की छुट्टी दूं? क्यों, शादी के लिए नहीं दे रहे? प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दे रहे या नामकरण के लिए नहीं दे रहे? उनको दे रहे हैं तो मुझे भी दीजिए। 25 साल से मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे तुम पर दया आ रही है, इसलिए तुम्हें मैं 2 महीने की छुट्टी दे रहा हूँ। आउट! अरे अरे, डे टाइम में क्यों पियूंगा पापा जी? मैं दुनिया का सबसे बड़ा शराबी बन जाऊंगा, इसलिए पापा को टेंशन है। क्या हुआ, सबके मुंह क्यों लटके हुए? ब्लड टेस्ट तो नहीं कराया है? वैश्यू से मिलना है यार, पर कैसे यही सोच रहा हूँ। इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन? देख, लड़की मेडिकल कॉलेज की है तो हाथ या पैर तोड़ कर जाएंगे, वही मिलेगी। प्यार मैं कर रहा हूँ यार, अगर मेरा हाथ पैर टूटा रहेगा तो उसमें क्या, किसी गधे का हाथ पैर तोड़ देंगे? मेरे सोना बंद कर। अरे मर गया, मर गया। अरे बहुत दर्द हो रहा है, हड्डी टूट गई है। ठीक है, दर्द कम हो जाएगा। कम होगा ये तो हम भी जानते हैं, इसीलिए तो यहाँ आए हैं, लेकिन कब कम होगा ये बताओ। इसका इलाज कराएंगे तो आपके हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इनसे जाके मिलो, डॉक्टर धर्मा, ऑर्थोपेडिक चीफ। यस, इनका नाम लेते ही सारे दर्द अपने आप दूर हो जाते हैं। इनका नाम सुनते ही टूटा हुआ टांग भी जुड़ जाता है, इसीलिए इनका नाम पड़ा है हड्डी डॉक्टर धर्मा। माय नेम इज डॉक्टर धर्मा। 20 रुपए दोगे तो भी एड्स निकाल कर फेंक दूंगा। जनरली शरीर में हड्डियां होती हैं, भेजा, मांसपेशियां, मांसेस, ये सब मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, मगर वो काफी नहीं है। एक इंसान को झुकने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए, ये सब जाने दीजिए, कोई भी काम करने के लिए हड्डियों का की रोल प्ले होता है। सो इस साल तुम लोग सिर्फ डॉक्टर धर्मा का ही लेक्चर सुनोगे तो काफी है, किसी भी देश में बड़े डॉक्टर के नाम से जाने जाओगे। नहीं सुनेंगे तो क्या हुआ, मैं कर दूंगा। ये पकड़ खोपड़ी, इस खोपड़ी से लोग जादू टोना सीखते हैं। क्या है? तू चलना यार। अबे ये मेडिकल कॉलेज है, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं। चुप रहना यार। महादेव, आप ही को बचाना पड़ेगा मुझे। महादेव बचा लीजिए मुझे। क्या हुआ तुझे? हड्डी टूटी है सर, नीचे गया तो पर्ची देकर ऊपर भेज दिया। वर्गल लैंग्वेज, नीचे गया, ऊपर गया, बीच में गया, व्हाट नॉनसेंस, ये कोई पर्ची नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन। ये सारी बातें आप अपने बच्चों को बताइए, मेरा सिर्फ इलाज कीजिए। मैं ऐसे केस डील नहीं करता। नहीं करते, करना नहीं आता। कुत्ते, ए बच्चे इलाज करेंगे तेरा। डियर स्टूडेंट्स, इस केस को कौन हैंडल करना चाहेगा? नो, इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि डॉक्टरी के 3 स्टेज होते हैं, पहले स्टेज में कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। क्यों? हाँ सर, गो। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने कुत्ता का आप नहीं चलेंगे? ओके, रिपोर्ट दिखाइए। ये लीजिए। अरे माँ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। क्या, प्लीज थोड़ा कंट्रोल कीजिए, आई विल बी बैक। पकड़े गए। अरे डर मत यार, हम लोग इंसाफ पर हैं। इंसाफ छोड़, उधर देख, एक फाइट देखी तो हम दोनों साफ हो जाएंगे। तुम लोगों को मैंने कहीं देखा है? चांस नहीं है। नहीं नहीं, देखा हम है। हम प्रदेश के नहीं है, हम उड़ीसा के हैं। उड़ीसा के हैं, कहीं तो देखा है। आप कैसे देख सकती हैं, हम तो उड़ीसा के हैं। उड़ीसा में आके देखी हो क्या? हमारी बदनसीबी हमें यहाँ आना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए, और आप बेवजह हम पर ही बरस पड़ी है। सॉरी, कम हो जाएगा। अच्छी बात है बहन। क्यों इतने केयरलेस रहते हैं आप? यू डोंट वरी, पेनिसिलिन चलेगा। अरे पेंसिल क्या, पेन रबड़, मेरे दोस्त को कुछ भी चलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इंजेक्शन। ओहो, मुझे कुछ और ही सुनाई दिया था। हाँ चलेगा चलेगा। डॉक्टर जी, आपका नाम क्या है? वैष्णवी। वैष्णवी गौतम। क्या कहा? यही डॉक्टर जी, कि मेरा नाम गौतम है। क्या क्या नहीं खा सकते? कुछ भी खा सकते हैं। इसे बांध लीजिएगा, हाथ को सपोर्ट मिलेगा, शाम तक दर्द कम हो जाएगा। कम नहीं हुआ तो कल आ सकते हैं ना? जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आप ही से बात कर रही हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी।
ओवर रिएक्ट मत करो। पेशेंट के साथ कैसा बिहेव करना होता नहीं जानती। इन्हें देखिए, बड़े अच्छे घर की पढ़ी लिखी सुंदर समझदार और सुशील लड़कियां ये। शादी ऐसी लड़की से करना चाहिए। What? यही के किसी को इलाज करवाना हो तो आप जैसे समझदार डॉक्टर से करवाना चाहिए। थैंक यू थैंक यू। चले यार निकलते हैं। सत्या धर्मा कितना भारी नाम है ना। ये कॉलेज कैंपस में गुंडे क्यों घूम रहे हैं, मुझसे क्या मतलब? कैसे कम नहीं हो सकता है? अगर ठीक होता तो मैं 9 बजे ऑफिस में होता अपने। क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं? मैडम सिम्टम्स ये हैं के जी, गाड़ी को कोई रिवर्स गियर पर खींचने लगता है ना, बस वैसे ही लग रहा है इनको। सुबह के 4 बजे नींद खुल जाती है, रात में बहुत लेट नाइट होने तक भी नींद नहीं आती। आप विश्वास नहीं करेंगी, जहाँ भी देखो मुझे आप ही दिखाई देते हैं। मैं क्यों दिखाई दे रही हूँ? टैबलेट्स कब लेना है ये तो आपने ही बताया था ना, वही बातें याद करता रहता, कहने का मतलब है। अजीब बात यह है कि पेन यहाँ से यहाँ आ गया जी। ओके, आई थिंक आई विल चेंज योर कोर्स। हां, गिव मी 1 मिनट, आई विल बी बैक। तेरी फैन बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा दिन रुकना पड़ेगा, तुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तुम लोग खुसुर-पुसुर क्या कर रहे हो? हां हेलो, तुझे क्या करना है? मेरी लव स्टोरी कहां से कहां तक पहुंची इससे तुझे क्या? तू मेरे मैटर में अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है? तेरी टांग काट दूंगा। किससे बात कर रहे हो? दोस्त है। पर फोन तो रिंग नहीं हुआ था। वाइब्रेशन में था, जिन्हें वाइब्रेशन होना चाहिए उन्हें नहीं हो रहा है। या योर टैबलेट्स, सॉरी कल सुबह मुझसे कुछ गलती हो गई। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? आप तो ट्रीटमेंट कर रही हैं, यही बड़ी बात है इसके लिए। कल हम फिर आ सकते हैं ना? हाँ, कल फिर क्यों आएगा रे? हाँ, इसे क्या एड्स है जो दर्द कम नहीं होगा? कितनी बार समझाना पड़ेगा रे तुझे, तेरी तो। हेलो, अगर अपने दोस्त से बात करनी तो बाहर जाके बात करो, यहाँ गाली गलौज नहीं कर सकते, ये हॉस्पिटल है, चलो निकलो। आप इनकी दोस्ती से दूर रहिए, आप बहुत आगे जाएंगी, मेरा यकीन करो आप। I'll try my best. May I come in? Please. नमस्ते डॉक्टर जी, बार बार मैं नहीं आ तुम सकता लोग यहाँ? अरे आना पड़ेगा यार। इन्होंने मुझे क्या समझ रखा है? पूछकर बताऊं क्या सर? जिससे पूछने के लिए कहता हूँ उससे पूछता नहीं है। बॉटनी वाले मैडम से पूछा तूने? चल इधर। आइए। अरे सॉरी, थर्ड क्लास डॉक्टर। तुझे पहचान बढ़ानी थी ना, देखते ही मेरे हाथ पर सुनो जाते हैं। करना ही पड़ेगा। ठीक है। ए ए ए, रोक 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 रोक, तुम इतने दिनों से आ रहे हो, अभी दर्द ठीक नहीं हुआ? कम नहीं हुआ डॉक्टर। क्या कहा इसने? कम नहीं हुआ है सर, कह रहा है। मिस्टर कंपाउंडर सर, इस केस को मैंने किस स्टूडेंट को दिया था? मेरी रेशु को। हाँ भाई, डायग्नोसिस भी हो गया, एक्सरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसका दर्द कम नहीं हुआ, क्या मैं वाकई में डॉक्टर हूँ ना? कॉन्फिडेंस जा रहा है मेरा। ए, इतनी परेशान क्यों हो रही है? उसे कोई दर्द वर्द नहीं है, यूं ही नादान बनकर बेवकूफ बना रहा है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल, वो जब भी ट्रीटमेंट के लिए आता है बेचारा दर्द के मारे तड़पता रहता है। ए, तू तंदुरुस्त समझता क्या अपने आप को? उधर देख। ए, अब देख मैं क्या करता हूँ तुझे, इस बार गुगली गुगली डालूंगा, मिड विकेट उड़ा दूंगा। देखा तूने टूटे हाथ से कितने अच्छे से स्पिन कर रहा है। हाँ, अभी अभी देख। हाँ, देख। अरे बाप रे। ए हाफ चट्टी बॉल डालना। मैच खत्म, भागो 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 भागो, सब बर्बाद हो गया रे। क्या सिटी मार रहा है, सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ यार? क्या हुआ बोल रहा है? अरे मुझे स्पिन बॉल डालते हुए क्रिकेट खेलते हुए वैष्णवी अच्छा? ने देख दिया रे। इतना अच्छा काम किया तूने, क्रिकेट नहीं खेलेगा तो क्या मर जाएगा तू? अरे छोड़ दे। अरे क्या कर रहा है? अरे तू क्या आईसीएल खेल रहा है, आईपीएल खेल रहा है? हा? जो नहीं खेलने पर नहीं चलेगा तू? तुझे तो कमीना कहीं का। अरे छोड़, अभी अभी उभरती हुई डॉक्टर की लाइफ से क्यों खेला तू? बता कमीना कहीं का, बोल। अरे छोड़, माफ कर दे। इसकी सजा तो ये नहीं कुछ और होनी चाहिए, ऐसे इंसान को तो सजा मिलनी चाहिए। इससे इसका गला घोट के मार दीजिए, जेल में चला जाऊंगा। बस कीजिए, ये सब कुछ तुम लोगों का ही करा धरा है। असल में तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? क्यों मेरे कैरियर के साथ खेल रहे हो? कोई खेल नहीं है जी, आप मुझे बहुत पसंद है। शट अप। अगली बार कॉलेज के आसपास भी दिखे ना तो एक एक को वहीं पर गाड़ दूंगी। डॉक्टर, एक पेशेंट डॉक्टर को प्यार करने वाला भी एक पेशेंट है, बोल दो अपने दोस्त को। तेरी तो कल वो सारे रिकॉर्ड्स ले जाकर डीन से वेरीफाई करवा लेंगे यार। रिकॉर्ड सारे लैब में हैं। रिकॉर्ड्स तो तुम
अब तक हमारे देश में लड़कों ने लड़कियों पर एसिड फेंका है ये तो सुना है, लेकिन किसी लड़की ने लड़के पे एसिड फेंका ये सुना है? दिल तो करता कि 10 लीटर एसिड लाके तुम्हारे सर पे उड़ेल दूं। That's my feeling. What a romantic feeling. बाज नहीं होगी। ये तो आप ही का है। अब चाहे एसिड डालो या अक्षत डालो, ये तो आपके सामने हाजिर है मैडम। ए, ये तेरे हाथ में क्या है? लड्डू नहीं जो तुम्हें दे दूं खाने के लिए, बेवजह कहीं भी सर गुस्सा देती है तू। ये तुम्हारे लिए नहीं है, इनके लिए। वैशु जी, ये आपके लिए है। मैंने आपका दिल दुखाया, आप मुझे सजा दे सकती हैं। मेरी गलती को सुधार के ये गिफ्ट आपको लेना ही पड़ेगा। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। आपको लेना ही होगा, आपको आपकी डिग्री की कसम। मुझे पता था किताबी कीड़ा है। हेलो हेलो, इसका नाम क्या है बोलो? गौतम। हाँ हेलो गौतम। अरे बापरे, नाम लेकर पुकारा मतलब समथिंग स्टार्ट हो गया। आपने इस नाचीस का नाम लिया, ये सपना है या सच? देखो मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। क्यों नहीं करोगी जी, क्यों नहीं करोगी? कोई एक स्ट्रांग रीजन बताइए। मेरे घर की हालत के बारे में तुम्हें नहीं पता, मेरे पिताजी को इन सब चीजों से सख्त नफरत है। पापा तो वैसे ही रहेंगे, ये कोई देश का प्रॉब्लम थोड़ी है, वो अपनी जगह करेक्ट है। आज के टाइम में कोई भी समझदार पिता ये नहीं चाहता कि किसी अरे गहरे से अपनी बेटी की शादी कर दें। इस एज में ऐसा ही होता है, कोई अच्छा लड़का मिलता है ना तभी सब खुश होते हैं, पापा हो या चाचा। शट अप, जस्ट बी इन योर लिमिट्स। तुम नहीं जानते कि मेरे पिताजी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखते हैं। वो मेरे लिए सब कुछ है, ही इज गॉड टू मी। उनके बगैर मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती, इसलिए कह देती हूँ चाहे मैं प्यार करूँ या शादी, सब कुछ उनसे पूछ कर ही करूँगी। तुम जब अपने पापा से इतना प्यार करती हो तो शादी के बाद मुझसे कितना प्यार करोगी? समझ नहीं आता क्या? मेरा पीछा छोड़ो, जिंदगी सवर जाएगी, तरक्की करोगे। सही कहा तूने, इसको तो ऐसे ही जवाब देना चाहिए। सुनो, प्यार करने के लिए तुम्हारे पीछे घूम रहा है, मेरा विश्वास करो, दिल में बसा के रखूंगा तुम्हें। अगर एक दो तीन कहने पर ये पीछे पलटी तो मेरा प्यार सक्सेस। एक दो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेस मिलने से पहले इस तरह के तूफान तो आते ही रहते हैं। दीदी, अरे अरे अरे, सब लोगों ने एक साथ हमला किया, क्या बात है? सुना है आपके पति आपको अच्छी तरह नहीं ट्रीट करते हैं, ऐसी कंप्लेन आई है। सबके नसीब तुम्हारी बीबी जैसी थोड़ी ही होगी। ऐसी बात है? कैसी हो दीदी? वैसी ही हूँ, हमेशा की जैसी। चलो खाने का वक्त हो गया है, खाना खा के फिर बातें करेंगे। इसीलिए तो आए हैं हम लोग। अरे और लो, क्यों शर्मा रही? बस बस दीदी, बहुत अच्छे से खाओ। खाना अच्छा बनाए दीदी। बच्चे कैसे हैं? आपके आशीर्वाद से सब लोग बिल्कुल ठीक हैं दीदी। वैष्णवी को मेरे संतोष के लिए मांगना चाहती हूँ, उसके मन में क्या है एक बार तुम पूछ के देखो। क्या दीदी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो, आपके भैया आपको मना थोड़ी करेंगे। एक अच्छा सा दिन देखकर आप और भाई साहब आकर पूछ लीजिए। हेलो, क्या बात है? ननंद और भाभी के बीच में कोई प्लान चल रहा है? हाँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए मीटिंग कर रही है। उसमें क्या है दीदी, जो भी है सब आप ही का है, ले लो। दीदी, घर पे आके कुछ दिन रह के जाओ ना। छोड़ना बेटा, दो दिन घर पर नहीं रहूंगी ना तो तेरे जीजू पूरा घर सिर पर उठा लेंगे, जाने देना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने कल मुझे फोन किया था, उन्होंने कहा कि हम लोग तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग कितनी बार मेरा लेक्चर सुनेंगे, मैंने कहा कि मेरे स्टूडेंट्स के आप लेक्चर सुनिए। तब उन्होंने कहा ओके, मैंने कुछ स्टूडेंट्सों के नाम लिखे। डॉक्टर सीताराम, डॉक्टर कुमार, डॉक्टर शरद, डॉक्टर पल्लवी, ये सब नेक्स्ट वीक चेन्नई में जाकर के कॉलेज की तरफ से सेमिनार को अटेंड करेंगे। डॉक्टर धर्मा का वहाँ पर आप लोग झंडा गाड़ करके आएंगे। एक्सक्यूज मी सर। सर, मेरा नाम क्यों नहीं है सर? कूल डाउन, सिर्फ जीनियस लोगों को सेलेक्ट किया गया है। 3 हफ्तों में एक मरीज का इलाज नहीं कर पाई, तुम्हारा सिलेक्शन करके वेस्ट करूं? पर सर, उन लोगों ने तो झूठ बोला था। पेशेंट कभी झूठ नहीं बोलते, कितनी जांच करने के बाद छोटी सी बीमारी का पता चलता है तब जाकर के हम उनका इलाज शुरू करते हैं। कंसीडर कीजिए ना सर, प्लीज सर। जस्ट शट अप, तुम डॉक्टर तो क्या मेडिकल शॉप में बिल लिखने के लायक भी नहीं हो, डोनेशन के बल पर ना जाने कहां से चले जाते हैं डॉक्टर बनने। नहीं, ए, रुक क्यों गया? मार मार, तेरी वजह से एक लड़की की लाइफ स्पॉइल हो गई। छी, कितने घटिया इंसान हो तुम लोग।
ऐसा मैंने क्या किया? क्लास में डीन ने उसे काफी कुछ सुनाया और वो आज ही कॉलेज छोड़कर जाना चाहती है। सुन ले, तू चाहे 100 बार उठक बैठक कर ले या तपस्या कर ले, तू उसके पैर के नाखून तक भी नहीं पहुंच सकता। क्या हुआ जी, बैठकर बात करोगी तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आइए आइए। मैं तेरे साथ बैठूं? माफ कर दो बहन। उस डीन का घर कहाँ है? यू आर माई पेशेंट नाउ। जी हाँ। इंग्लिश छाड़ता है? अब बताइए क्या बात है, तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर तुम्हें परेशानी क्या आई है तो मुझे बताओ, झगड़ा किस लिए? समझ गया, शायद मुझसे कोई गलती हुई है। मुझसे क्या गलती हुई है मुझे याद नहीं आ रहा। क्या कहा? ओके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने तुम्हें कॉल किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने मुझे? मेरे पास तो मोबाइल फोन ही नहीं है, डिस्टरबेंस हो इसलिए मैं सेल फोन रखता ही नहीं हूँ। तो सुबह तुमने क्लासरूम में मैं धर्मा हूँ, पूरे देश में मशहूर हूँ, ऐसा तुमने क्यों कहा था बताओ? चीची, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने कहा ही नहीं। हाँ। चलो ठीक है, उनको फोन करके बोलो कि मेरा एक स्टूडेंट आने वाला है, उनका लेक्चर सुनना पड़ेगा, ये कहो। इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है तो तू सुबह वैसु पर क्यों चिल्लाया था? कब? वैसु पर? हाँ। क्या कहा तूने? मेरी बहन मेडिकल शॉप में बिल देखने का काम भी नहीं कर सकती। जब मैं नशे में नहीं रहता तो बहुत कुछ बोल जाता हूँ, उस पर ध्यान मत दो। फिर भी तूने हमारी बहन को रुलाया है, उसके लिए तेरा खून करके उस खून से अपनी बहन का चरण धोएंगे। हाँ, सही कहा ना? एक मिनट रुकिए, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, अहिंसा परमो धर्म, समझे? अगर शरीर से एक बूंद भी खून गिर गया तो वो क्राइम होता है। खून की बूंदे नीचे नहीं गिरनी चाहिए, यही ना? जी हाँ। ये सब ठीक है, जिस मुँह से तूने वैष्णवी पर चिल्लाया था ना, हाँ, उसी मुझे शाबाशी देना, वरना कल आकर ये हाथ मरोड़ दूंगा। शाबाशी के लिए हाथ मरोड़ने की क्या जरूरत? शाबाशी अभी देता हूँ। इस गधे को पेशेंट बनने की क्या जरूरत थी? मैं कोई एक्टर नहीं हूँ जो एक्टिंग समझूंगा। मेरा ऑफर है, मुझे छोड़ दो। ऑफर्स मांगते नहीं, जो मिलता है वो लेते हैं। अरे सर सर, क्या हुआ सर? बाथरूम में गिर गया यार। गिर गए तो हाथ में कैसे चोट लगी? गिरने के लिए कहीं भी गिर सकता है इंसान, क्या परेशानी बता करके आती कि यहाँ गिरो वहाँ ना गिरो? वो सब छोड़िए, सच बताइए क्या हुआ? कसम का? आपकी कसम सर। ओके। वैश्य के ऊपर मैं चिल्लाया था, सेमिनार में उसका सिलेक्शन नहीं किया तो उसके बॉयफ्रेंड ने मेरा हाथ तोड़ दिया। अरे बाप रे, सीनियर को सिलेक्ट ना करने पर हाथ मोड़ दिया? पास मार्क नहीं देंगे तो जान से मार देगा सर। बार बार उसको ऐसा मौका थोड़ी ना दूंगा, पागल कहीं का। ठीक है चलिए अच्छे से बात करते हैं। स्टॉप इट। मेरी चोट की वजह क्या ये जानता है तू? ये धर्मा का स्टील बॉडी इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। आप खेल देख मेरा। ऐसा मत कर यार। वो जा रही। ए वैशु, डॉक्टर वैशु, तुम यहाँ आओ। आइए आओ। चलो क्या हो गया है? क्या हुआ सर? हाथ में मोच आ गई, इसका ट्रीटमेंट कर दो बेटी। नहीं सर, मुंह भी ठीक से नहीं लगा सकती, इतना बड़ा केस। अरे रे रे, ऐसा मत बोलो। तुम मूव क्या, तुम चाहो तो बड़े बड़े मूवमेंट करा सकती हो। प्लीज प्लीज ट्रीटमेंट करो ना। ये चोट कैसे लगी सर? डिटेल्स में बताने के लिए टाइम नहीं है, हाथ हटाओ। What a wonderful incident! तुम्हारे छूते ही मेरा हाथ ठीक हो गया। तुम्हारे जैसा डॉक्टर और कोई नहीं है। मरने के बाद जैसे लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है, उसी तरह लोग तुम्हें भी सम्मान देंगे। तुम्हारे जैसा डॉक्टर पूरी दुनिया में नहीं। ए कंपाउंडर, चलो, मेरा हाथ एकदम ठीक हो गया। आई एम ए डिस्को। बार बार देखने पे हाथी भी अच्छी लगने लगी है। क्या जी, मेरे इलाज के लिए कोई नया आविष्कार किया है क्या? कॉलेज में जय जयकार हो रही है। तुम्हारा कोई कैरेक्टर वैरेक्टर है? कल तक सिर्फ झूठ बोलते थे और आज हाथ मरोड़ने लग गए। अरे ये तो बस एक्सीडेंट हो गया था, कोई बड़ी बात नहीं है। ए, चुप। अरे चमचा कहीं का। You keep quiet. मुझे लड़कियों को पटाना नहीं आता, आपसे मिलने के लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़ा। शट अप, हर चीज की एक लिमिट होती है, अजीब अजीब से सपने मत देखो। आई हेट यू, ओके ना? Just go to hell. ऐसे मत बोलिए, प्लीज एक बार और सोचिए। नो वे, अभी तुम लोग यहाँ से जाओ। ये क्यों रो रहा है यार? अरे रो मत, क्या प्यार करने लगी है? इतने गंदे तरीके से क्यों रो रहे हैं? पुराने लोगों जैसा ही है जी, हर रोज गजरे ले जाना, हर हफ्ते सिनेमा दिखाना, साल में एक दो बार टूर पर ले जाने वालों में से ये मेरे बच्चे जैसा है। अरे बच्चे मन की सारी बातें बोल देना तू। हाँ जी, आपसे शादी करके आपको बहुत प्यार से रखूंगा जी, मूवी दिखाने घुमाने सब लेके जाऊंगा जी, पर मेरे क्या सारे सपने टूट जाएंगे आज। उसके लिए हम क्या करें? अरे माते, तुम तो चुप ही रहो माते। लड़कियों जैसा रोता भी है। वैसे आप मुझसे प्यार नहीं करेंगी, कम से कम इस संडे को तो मेरे साथ फिल्म देखने चलिए ना। चप्पल से मारूंगी, मैं क्यों तुम्हारे साथ फिल्म देखने आऊं? प्लीज, मैं आपके अलावा और किसके साथ देखूंगा जी? नो वे। हे कम ऑन, लेट्स गो।
देख क्या जाना। वैशु जी प्लीज वैशु जी, सिर्फ एक मूवी प्लीज वैशु जी प्लीज हाँ बोल दीजिए वैशु जी प्लीज। आप देखिए जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे मैं ऐसे उठने वाला नहीं हूँ। वैशु जी प्लीज वैशु जी हाँ बोल दीजिए, हाँ बोल दीजिए वैशु जी प्लीज ना। नहीं वैशु जी मैं नहीं उठूंगा वैशु जी प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे मैं तब तक नहीं उठूंगा। ठीक है चलूंगी उठो ना। तो टिकट ले लूं? चलोगी ना? चलूंगी बट वन कंडीशन। वो क्या है? ये फर्स्ट और लास्ट होगा, इसके बाद तुम मेरा पीछा कभी नहीं करोगी, ओके ना? और उसके बाद मिलना चाहूं तो? जस्ट गो टू हेल, गेट लॉस्ट। ठीक है मंजूर है। प्रॉमिस सर पर हाथ रख के कहो। वैशु आते समय साड़ी में आओगी ना? आप नाराज मत होइए, मैं आपको साड़ी में देखना चाहता हूँ, आप कैसी लगती हैं? चल रे। प्यार में तुम्हारी ये अदा भी मुझे बहुत पसंद आई। टेंशन हो रहा है यार, लाइफ में फर्स्ट टाइम लड़की के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, वो आएगी ना? हार और कंडीशन रख, शादी की पत्नी जैसे साड़ी पहनकर आना कहने से थोड़ी आएगी, वो नहीं आएगी। लगता कोई साड़ी वाली आई रे? नहीं वो नहीं है। वैशु आ गई यार। साड़ी क्यों नहीं पहन के आई? मैं यहाँ पर आ गई यही गनीमत समझो, ज्यादा सोचो मत, चलो। अरे हॉस्टल में रहती है ना, अच्छा हो सकता है साड़ी ना रही हो। अरे चल साइड साइड, हॉस्टल लगते ही सब लाइन में लग जाते हैं। हाथी जैसी कटवा करी मारू एक। तू कौन है, तू क्या है, तेरी औकात में अच्छी तरह जानता हूँ, तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता, समझा? चल जा। ओके दिस शॉट रेडी गो फॉर टेक। क्या यार मेरी सीट पर बैठ गया, तुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दूंगा छोड़ना। हीरोइन से सुंदर तो तुम हो। देखो यहाँ सर रखकर मूवी देखो। तुम शायद नहीं आओगी ये सोचकर मैं परेशान था, पता है? आज से शनि मेरा पीछा छोड़ रहा है, इसलिए आई हूँ। पागल वैशु, तुम पीछा छोड़ना चाहती हो और मैं पास आना चाहता हूँ। प्लीज गौतम ऐसे मत देखो, बड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है। तुम बहुत प्यारी हो, तुम फिल्म देखती रहो और मैं तुम्हें जी भर के देखता रहूं। क्या करूं, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, तुम्हें अपने दिल में बसाना चाहता हूं। मैं पागल हूं, अरे 2 घंटे में मेरा दिल थोड़ी भर जाएगा। तेरे हुस्न की मैं क्या तारीफ करूं, जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। ये तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यार। डिस्टर्ब करने के लिए ही मूवी में पब में पार्क में बुलाते हैं, अब किसी तरह 2 घंटे बर्दाश्त कर ले, बाद में पीछा छूट जाएगा। तुमसे ही क्या है, उससे तो कभी भी बात कर सकती हो, अभी मुझसे बात करो ना। मुझे पता है, जानती हूं। सुनो देखना, एक कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ लाऊं क्या? मैं लाती हूँ। तुम लाओगी? वेट करूंगा। नॉटी बॉय। सेकंड हाफ में लिप लॉक करना सिखाऊंगा। क्या यार तेरी तो निकल पड़ी है, क्या ये? मेरी अंगूठिया कहाँ है? अरे अरे उसने मेरी अंगूठी को चुरा लिया। हेलो वैशु, कहाँ जा रही हो? इसके लिए चलोगे? नहीं तुम जाओ। चल। पीछे छुड़ाने का अच्छा बहाना है। उसको इतना एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों दिया? उसका बच्चा अस्पताल में है साहब। जब देखो किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, किसी की बीवी बीमार हो जाती है, हम किसी का ठीका नहीं ले रखे हैं। हाँ ठीक है साहब। थोड़ा साइड देंगे प्लीज। क्यों फिल्म नहीं देखनी है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सुनिए बहुत अच्छी फिल्म है, मेरे साथ देखो, मैं दिखाता हूँ शो छूटने के बाद मेरे कमरे में रात भर स्पेशल शो। ए क्यों परेशान कर रहे हो? सुनो फिकर मत करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हेलो मिस्टर माइंड योर टंग। तुम भी जवान और मैं भी जवान, सुनिए मेरी बात सुनिए, तुमको इस शो की कीमत नहीं मिलेगी, मेरी बात तो सुनिए, तुम्हें और क्या चाहिए वो भी बताइए। चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। शो के साथ खाना पीना भी। अरे तुम जा कहाँ रही हो, रात भर पिएंगे मौज मस्ती करेंगे। ये मेरी दोस्त है। ये क्या वैशु, मूवी पसंद नहीं आई तो कह देती, दोनों मिलके चले जाते, चलो कार में बैठो। क्यों भाई, कबाब में हड्डी हम लोगों के बीच में आ रहा, तू अपने आप को समझता क्या है? बहुत कुछ समझता हूँ भाई, पर ये टाइम सही नहीं है बताने के लिए। ए तू मुझे नहीं जानता,
इस टॉकीज का मालिक हूं मैं। तो फिर कितने टिकट बिके हैं, कितनी साइकिल स्टैंड पे खड़ी हैं और कितने कोल्ड ड्रिंक और वड़ा पाव बिके हैं ना, ये जाके गिन ले। हाँ, इसे मैं संभाल लूंगा। वैसे ये पकड़ो। हेलो पुलिस स्टेशन। साले तेरे को बोला था तेरा टाइम सही नहीं है। अच्छा हाथ पकड़ेगा वैशु का। ले अब समझ में आएगा। ये क्या हो रहा है? देखिए साहब, ये गुंडा मुझे किस तरह से मार रहा है। नहीं साहब, ये लोग ही लड़कियों को छेड़ रहे थे। किस लड़की को? सर, इन सबको थाने ले चलो। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ अभी आता हूँ सर। बोल बोल, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा। तुम इस तरह रोज लफड़ा करोगे ना, तेरे बाप का बनाया हुआ सब कुछ पुलिस स्टेशन में चला जाएगा। गधे कहीं के। चिल्लाने से अच्छा है कि तुम अपने एमएलए बाप को कॉल करके यहाँ से हमें छुड़ा सकती हो। क्या बोलूं उनसे, कुछ कमीनों के साथ मुझे भी पकड़ कर पुलिस स्टेशन ले आए, ये बोलूं उनसे? ये सुनकर पिछोड़ा फोड़ देंगे। तुम्हारे पापा का यही काम है, प्लेस देख कर मारते हैं क्या? सुनो लड़की, किस क्लास में हो? एमएस अर्थो सर। तू फोड़ते रहे ना और वो पट्टी बांधती रहेगी। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। ऐसा कुछ नहीं है सर, लड़कियों को छेड़ रहे थे। लड़कियों को छेड़े तो तू चाकू से लाठी से मार देगा? तू अपने आप को हीरो समझता है क्या? क्या रे, तू रॉड से उसे मार रहा था, कहीं मर जाता तो? सॉरी सर। हे लड़की, तू अपने घर से किसी गार्जियन को बुलाओ, वो यहाँ पर आकर साइन करे और तुम्हें लेकर जाए। ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा। घर वालों को फोन करो। उसका कोई नहीं है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं सर। अरे कोई ना कोई तो होगा, माँ बाबूजी, भाई बहन, चाचू चाची, कोई तो होगा ना? कोई नहीं है सर, उसका सब कुछ मैं ही हूँ। सच में कोई नहीं है सर, मेरा यकीन कीजिए। ये मेरा आईडी कार्ड है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। सॉफ्टवेयर गुंडा हो मतलब? कॉन्स्टेबल, इसका जीरोक्स लेके अपने रिकॉर्ड में रखो इसको। तुम हो सॉफ्टवेयर और वो है डॉक्टर, तुम लोग ऐसे क्यों बेकार के लफड़ों में पड़ते हो? आगे से ध्यान रखना, निकलो। थैंक यू सर। मुझे माफ कर दो वैशु, तुम्हारे घर के लोग यहाँ आते तो उनकी बड़ी बेइज्जती होती, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मेरे सिवा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा क्या है, मैं तो अकेला हूँ, मुझे तो पूछने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चलिए, तुम्हें दिए हुए वादे के मुताबिक कल से मैं अपना चेहरा तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा।
ना हाँ क्या सच में वो गौतम कल से नहीं मिलेगा? गया तो गया, मुसीबत टल जाएगी, आराम से जिएंगे। नहीं नहीं ऐसा मत बोल, शायद वो उतना भी बुरा नहीं है यार। ज्यादा मत सोच, चुपचाप सो जा। तेरे पापा को पता चला तो तुझे पता है ना क्या होगा। वैशु मैं पला पड़ा सब यहीं पर, यही मुझे पता चला कि एक इंसान को फैमिली की कितनी ज़रूरत होती है। इसलिए अच्छे से पढ़कर अच्छा जॉब पाकर मेरी अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। शादी के प्रोसेस में ऐसी कोई कोशिश नहीं होगी जो मैंने नहीं की, पर एक भी सक्सेस नहीं हुई। वजह क्या थी मुझे नहीं पता, तुम्हें देखकर ही मुझे समझ आ गया शादी ऊपर वाला ही तय करता है और उसी ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है, ये बात पता चली। लकीली आप मुझसे मिली, मुझे फैमिली चाहिए थी और वो भी तुम्हारे पास है। किसी भी तरह से फ्रेंडशिप करना चाहता था, उसी की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। रास्ता गलत था पर मैं नहीं। मेरी लाइफ की सबसे सुंदर घटना यही थी कि जिस दिन मैं आपसे मिला मुझे मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा आपकी नादानी पसंद आई। मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा डर मुझे उस दिन लगा जिस दिन तुमने मुझे डांटा। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं तुमसे शादी करूं और तुम्हारी फैमिली में एक हो जाऊं। अगर तुम सच्चे मन से माफ़ करके मुझे अपना लोगी तो तुम्हारा पति बनकर हमेशा के लिए तुम्हारा बन जाऊंगा वैशु, प्रॉमिस वैशु, क्योंकि तुम्हारे प्यार से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में और कोई नहीं है। प्लीज़ वैशु, गौतम। हेलो। हेलो, मैं वैशु बोल। हाँ, आवाज से पहचान लिया। क्या कर रहे हो तुम? एक लव फेलियर और क्या करेगा, जो करना चाहिए वही कर रहा हूँ। प्यार की आग को शराब और सिगरेट में बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन पीने से तो तबीयत खराब हो जाएगी ना? जब तुम ही नहीं हो तो इस शरीर का मैं क्या करूँगा, मेरे जीने का क्या मकसद है। गिफ्ट देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। लड़कियों को कब कौन सा गिफ्ट पसंद आएगा क्या पता। एनी हाउ फर्स्ट टाइम पॉजिटिव रिएक्शन मिला तुमसे। कुछ पर्सनल बातें करनी है। मिलोगे क्या? अभी आ जाऊं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों बुलाया तुमने? क्या हुआ तुमको? क्यों बुलाया तुमने? साड़ी में कैसी लग रही हूँ? आसमान की परी लग रही हो। वैसे तुमने मुझे किस लिए बुलाया? यूं ही मॉस्किटो कॉल खत्म हो गई, लाकर दोगे क्या? दो दीवाने राहों में जल पड़े हैं, छोड़ के सारी दुनिया एक दूजे के हो गए हैं। प्यार में दो दीवाने राहों में चल पड़े हैं, छोड़ के सारी दुनिया एक दूजे के हो गए हैं। मंजिल नई सनम हम मिल के बनाएंगे, जाने जाना सदियों का। दिल बोले तक दिन मेरे प्यार में हो जाओ अपना, दिल बोले दिन तक दिन मेरे प्यार में हो जाओ अपना। प्यार
जागता रहूं मैं यारा, कुछ भी नहीं है मुझको काम तेरी बातों के सिवा। की बात तुझे ही मैंने रखा, नाम दिया है वा वा वा। तेरे दामन से मैंने अब खुद को बांध लिया है। की बात तुझे ही मैंने रखा, नाम दिया है या या। तेरे दामन से मैंने अब खुद को बांध लिया है। हाँ मंजूर नहीं सनम, हम मिलके बनाएंगे अपनी प्यारे से, हाँ उसको सजाएंगे। नाता अपना जाने जाना सदियों का, दिल बोले तक दिना तेरे प्यार में हो जाऊं बना। दिल बोले तक दिना तक दिना तेरे प्यार में हो जाऊं बना। दीदी। नहीं भाभी, कहो। आप ही पूछिए। तुम कहो ना। आप ही पूछिए ना। छोटे, मुझे एक बात पूछनी है। क्या है दीदी, पूछिए। मेरे संतोष के लिए वैश्व को दोगे क्या? पर मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं वैष्णु को देना चाहता हूँ। ये क्या बात हुई, वो मेरी अपनी है, उसको बचपन से ही मैं अपनी बहू मानती आई हूँ। सॉरी दीदी, कुछ और पूछो। क्यों छोटे, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं दीदी, अगर प्रॉब्लम है तो मैं पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा, पर वैशु नहीं। गलती हो गई, आज मैं कितनी पराई हो गई, आज के बाद इस घर में मैं कदम नहीं रखूंगी। रुको दीदी, ऐसे खाना छोड़कर उठना आप दोनों के लिए अच्छा नहीं है। नहीं भाभी, मैं हमेशा यही सोचती थी, दूर ही सही मगर मेरा अपना तो कोई है, पर आज से ये भरोसा भी टूट गया। जहां मेरी इज्जत नहीं है वहां एक पल भी रुकना मेरे लिए बेकार है। चलती हूँ। दीदी दीदी, ये क्या किया आपने, घर आई हुई दीदी को इस तरह से रुलाकर भेज दिया? क्योंकि बाद में मेरी बेटी को कहीं ना रोना पड़े। दीदी को भी दिल से चाहते हैं। आज से ठीक 25 साल पहले दीदी ने भी किसी से प्यार किया था, तब पिताजी की इज्जत के बारे में उन्होंने कभी भी रत्ती भर भी नहीं सोचा, जाकर शादी करके घर बसा लिया। देख रही हो ना, हर वक्त मैके को याद करके आंसू बहाती है, उसे हर वक्त इंतजार रहता है कि कोई ना कोई आए। जो गलती मेरी बहन ने 25 साल पहले की थी वो गलती अब दोहराना नहीं चाहता। नई नई शादी के कुछ दिनों तक पति पत्नी के बीच सिर्फ प्यार ही होता है, कुछ ही दिनों बाद उनके बीच जिम्मेदारियां आ जाती हैं, दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। उसी वक्त लड़की को अपना दुख बताने के लिए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ससुराल में बड़ा परिवार होना चाहिए। देखो सीमा, जिस घर में मैं अपनी बेटी को भेजने वाला हूं उस घर में पैसे हो या ना हो मुझे परवाह नहीं, उस घर में मेरे जैसा ससुर होना चाहिए और तुम्हारे जैसी सास। अपने घर में जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी अफेक्शन है, वो सब होने चाहिए। जिस घर में ये सब नहीं है, अपने जीते जी उस घर में लड़की नहीं दूंगा, चाहे वो दीदी का ही घर क्यों ना हो।
जल्दी से खाना खा लीजिए, कोर्ट चलना है। आर्गुमेंट फाइनल स्टेज पे सर, हमारे फेवर में ही है। मैक्सिमम हमारे साइड से इफेक्ट रखा है, हमारे एविडेंस भी स्ट्रांग है। आज ही जाकर हम कलेक्टर साहब से मिल लेंगे। ए, पकड़ो से कोई। ए, क्या है हाँ? तेरी तो साले। उतार टी शर्ट, उतार, साफ कर, साफ कर इसे, ठीक से कर। कर दिया भाई। क्या बोल रहा था बे? कुछ नहीं भाई। ये गाड़ी किसकी है? आपकी है ना? वैष्णवी कौन है? तुम्हारी बीवी है क्या? मेरी बेटी का। बेटी से इतना ही प्यार है तो मन में या घर में बसा के रखना, ऐसी गाड़ी वाली पे चिपकाने का नहीं, समझे क्या? मुझे ये नाम बहुत पसंद है इसलिए केयरफुली हैंडल करो, ओके? भाई कलेक्टर ऑफिस चले अभी? नहीं, वैष्णो के कॉलेज ले चलो। ठीक है भाई। सर कलेक्टर का अपॉइंटमेंट। लॉर्ड जी आप उधर जाइए। सर विल यू प्लीज गेट डाउन। शरीर को बढ़ने के लिए हड्डियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिसके शरीर की हड्डियां बढ़ती नहीं है वो इंसान नाटा रह जाता है, इसलिए शरीर का बढ़ना। आप लोग कौन है? वैशु से मिलना है मुझे। वैशु तो आज कॉलेज आई ही नहीं। भाई वैशु आज कॉलेज नहीं आई है। हेलो बेटी। हाय डैडी। कहाँ हो बेटी? कॉलेज में। क्या हुआ डैडी? बस कुछ नहीं बेटी, यूं ही, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके डैडी बाय। कहाँ थे तुम? तुम्हारे लिए 10 मिनट से वेट कर रही हूँ। चलो चलो। मैं 25 साल से इंतजार कर रहा हूँ, तुम 10 मिनट में परेशान हो गई। बेटी से इतना ही प्यार है तो मन में या घर में बसा के रखना, ऐसी गाड़ी वाली पे चिपकाने का नहीं, समझे क्या? मुझे ये नाम बहुत पसंद है इसलिए केयरफुली हैंडल करो, ओके? भाई वो गौतम एयरसेल कंपनी में इंजीनियर का काम करता है। उसके माता पिता? नहीं है भाई। और कोई रिश्तेदार? वो एक अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। तरीके से कोशिश की गौतम, पर वैश्य से बात नहीं हो पा रही। अरे गौतम जाकर उनको कन्विंस करने की कोशिश करो, इशू बड़ा होने से पहले संभालो।
उधर उधर उधर, क्या समझ रहा है आपने आपको? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, आकर मुझे कन्विंस कर लोगे और मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? ना तो तुम्हारी माँ है, ना बाप है, ना दीदी है, ना भाई, ना चाचा, ना चाची, ना तुम्हारी फैमिली का कोई सदस्य है। मेरा कोई नहीं है सर, 25 साल से अकेला ही जी रहा हूँ। वैशु से शादी करूंगा तो उसका परिवार भी मेरा ही हो जाएगा। मैं भी आप सबके बीच में बसना चाहता हूँ। तूने अपने बारे में तो अच्छा सोच लिया, पर मुझे भी तो अपनी बेटी के बारे में सोचना पड़ेगा ना। अगर मैंने तुम दोनों की शादी करवा भी दी तो आगे चल करके अगर तुम मेरी बेटी की वजह से हर्ट हुए तो उसकी तरफ से पूछने के लिए मैं हूँ, लेकिन अगर तुमने उसे हर्ट किया तो तुम्हारी तरफ से पूछने वाला कौन है? कौन है बोलो? मैं वैशु को शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। और अगर हुआ तो? नहीं होगा सर। होगी, ऐसी चीजें होती रहती हैं। मेरी दीदी के साथ भी यही हो रहा है। नहीं साहब, एक बार ऐसा ही हुआ तो जरूरी थोड़ी है कि हर बार ऐसा ही हो। एक बार ट्राई तो कीजिए सर। ट्राई करने के लिए ये कोई कार या बिजनेस नहीं है, जिंदगी है, मेरी बेटी की जिंदगी है, वैष्णो की जिंदगी है। रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन मैं तो रिस्क ले सकता हूँ सर, वैष्णो के बगैर मैं भी नहीं जी सकता। मुझे मालूम था कि तू मेरी बात नहीं मानेगा, वो भी तुम्हारे जैसे ही बोल रही है। एक बात तो कन्फर्म है, तुम दोनों की शादी मैं नहीं रोक सकता। तुम दोनों बालिग हो, लीगली इमोशनली तुम ही सही हो, पर एक बात है, मेरे खिलाफ जाकर अगर वैष्णो से शादी की, वैष्णो तो आएगी पर जिसके लिए तूने वैशु से प्यार किया वो फैमिली नहीं आएगी। तेरे और वैशु की शादी के अगले सेकंड वैशु मेरी लाइफ से निकल जाएगी। ये सब मैं तुम्हें डराने या धमकाने के लिए या किसी तरह तुम दोनों को अलग करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी की कसम खाकर कह रहा हूं, मैं जितना प्यार करने में सिंसियर हूं, अगर मैंने एक बार सोच लिया तो नफरत करने में भी उतना ही सिंसियर हूं। दो मिनट तुम मेरी जगह आकर सोच समझ कर फिर फैसला करना। तुम क्या इन सब बातों से तुम्हें क्या लेना देना है? अगर ऐसी सोच रखते हो तो चलो अभी डायरेक्टली मेरे घर चलो, मर्द की तरह वैशु को ले जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फैसला तुम्हारा, वैशु से शादी करके तुम उसे अपने जैसा अनाथ बना दोगे या तुम अपने रास्ते में चले जाओगे, उस तरफ या इस तरफ? सर प्लीज सर। नौ, उस तरफ या इस तरफ? हेलो, तुम पर कहां तक भरोसा कर सकता हूं? आप उस हालत में नहीं है सर, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। पच्चीस साल पहले जैसी मेरी जिंदगी थी अभी भी वैसे ही है सर। सभी खुशी के लिए प्यार करते हैं, पर मैंने परिवार के लिए प्यार किया। हमेशा मैं सोचता रहा जिस लड़की से मैं शादी करूंगा वो कैसी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि लड़की के पसंद करने के बाद मुझे ये सब प्रॉब्लम आएगी। मेरे प्यार में स्वार्थ था सर, इसलिए हार गया। तुमने चाहे किसी भी मतलब से प्यार किया हो, पर तुम्हारा प्यार तो सच्चा था ना। वैशु ने नाश्ता किया? नहीं जी, रात में भी उसने खाना नहीं खाया। वैशु, वैशु, ये क्या है बेटा? हाँ, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम अपनी लाइफ को अच्छा देखना चाहती हो तो मेरी बात मानो। ऐसी बात नहीं है, मेरे पीछे 2-3 महीनों से पागलों की तरह घूमने की वजह से मैंने उसे प्यार नहीं किया डैडी। वो जो भी कमिटमेंट करता है पूरा करता है। शादी के बाद कमिटमेंट टाइप हस्बैंड के साथ साथ हर चीज शेयर करने के लिए उसके पूरे परिवार का होना भी जरूरी है। तुमने प्यार करके गलती की है ये नहीं कह रहा हूँ मैं, तुमने एक अनाथ से प्यार किया वो गलत है। जो भी हो डैडी, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। तुम नहीं जी पाओगी, पर वो जी लेगा। मैंने उससे कहा 2 मिनट में तुम फैसला करो मेरी जगह रहकर कि तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वैशु नहीं चाहिए ऐसा बोलकर चला गया। मुझे नहीं लगता डैड। हाँ, तुम्हें क्यों लगेगा? अगर तुम मेरी बेटी होती ना तभी तुम मेरी बातों पर यकीन करती। रुको, अभी बात करता हूँ। हेलो। हेलो, तूने जो बात मुझसे कही थी वही बात वैशु को भी बोलो। ये लो। हेलो, स्पीकर ऑन करके बात करो वरना ऐसा मुझे विलेन समझेंगे।
बोलो। हेलो गौतम। बोलो वैशु। क्या तुमने डैडी से वैसा कहा है? हाँ वैशु। पागल हो गए हो क्या? तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, उनकी बात मानो। मतलब? मतलब कुछ नहीं, तुम्हारे लिए वही सही है। जोड़ा मैंने बड़ी मुश्किल से, बर्बादियों की राह पर भेजा मुझे तूने। तेरा शुक्रिया यारो मैं दीवाना, इस खेल को नहीं जाना। यारो मैं दीवाना, इस खेल को नहीं जाना। इल्तिजा है मेरी है सुनो यार, करना ना कभी किसी से प्यार। इल्तिजा है मेरी है सुनो यार, करना ना कभी किसी से प्यार। मंजिले थी, रास्ते थे, साथ न दिया कदम तो क्या करूं। किनारा भी था, हाथ ना दिया सनम तो क्या करूं। समझा नहीं झूठी चाहत तेरी क्या करूं, आखिर दिल मेरा नाता था। चाहा था तुझको इस जिंदगी से ज्यादा, जाना ना जाना मैं तेरे दिल का इरादा। यारो मैं दीवाना, इस खेल को नहीं जाना। यारो मैं दीवाना, इस खेल को कभी किसी से प्यार। इल्तिजा है मेरी ऐ सुनो यार, करना ना कभी किसी से प्यार। चली गई है यार भी है, महफिल भी है, फिर जाने क्यों सुनी सुनी गली है। नजदीक जितने हमारे ये दिल, आज उतना ही तुझसे हुआ फासला। चाहा था तुझको इस जिंदगी से ज्यादा, जाना ना जाना मैं तेरे दिल का इरादा। यारो मैं दीवाना, इस खेल को नहीं जाना। यारो खेल को नहीं जाना। इल्तिजा है मेरी ऐ सुनो यार, करना ना कभी किसी से प्यार। इल्तिजा है मेरी ऐ सुनो यार, करना ना कभी किसी से प्यार। मैं यूएस चले जाना चाहता हूँ सर। ये अचानक क्या हुआ? क्या हुआ यार? उसके डैडी उसकी शादी मुझसे नहीं कराना चाहते। कोई बात नहीं, ये लड़की छूट गई है तो कोई बात नहीं। बेटर लड़की, बेटर फैमिली, इसका मतलब है कि वो तुम्हारा कहीं इंतजार कर रही है। 15 दिनों के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी टू फ्लाइट। थैंक यू सर। भाई एक बात कहूं, वैशु की शादी करा देते हैं। अच्छा रिश्ता भी तो होना चाहिए। कुछ दिनों पहले एक रिश्ता आया था ना। कौन सा? वो लंदन वाला रिश्ता? उतना दूर नहीं भेजना चाहते। क्यों नहीं भेज सकते? वैशु खुशी हम चाहते हैं। हमने ऑलरेडी उन लोगों से बात की है, अच्छे लोग हैं, अच्छे संस्कार वाले हैं। लड़का डॉक्टरी कर रहा है,
ये रिश्ता काफी अच्छा रहेगा भाई। ठीक है बोलवा। Excuse me? Yes. Are you Kingfisher? Yes. How is Vijay Mallya? He's fine. He's single Raja. Thank you. Go, go. Hello? क्यों टेंशन ले रहे हो? एयरपोर्ट पहली बार आए हो क्या? सपने में भी नहीं सोचा होगा कभी एयरपोर्ट देखोगे। ये सब रिसीव बोर्ड पकड़े हैं, तुमने क्यों नहीं पकड़ा? वहाँ पर चाकू बेच रहे हैं, लूं क्या? सुनो, वो सब मैं संभाल लूंगा, मुझ पर हुकुम मत चलाओ। चलो पैसे निकालो। पैसे क्यों? कमीशन क्यों? हलवा यूं ही मिलता है क्या? तुमने काफी मीडिएटर को देखा होगा, पर मैं टोटली स्पेशल हूँ। मंगनी से लेके फर्स्ट नाइट तक मैं हर चीज में जुड़ा रहता हूँ, समझे तुम? मतलब? हाँ बताता हूँ, हमारे गांव में बहुत भैंसे हैं, उनकी बॉडी है दिमाग नहीं। इंडिया में सफाई की कमी है, ये लोग कंफ्यूज हैं और हमें भी कंफ्यूज करते हैं, पर हमें हमारी क्लैरिटी मिस नहीं करनी चाहिए। इट्स ओके, इज दैट क्लियर? वो देखो आ गए। नमस्ते सर जी, वेलकम टू इंडिया, आई एम कैमरन सर। क्या ये सर्कस के बंदर जैसे हाथ हिला रहे हो? तक नहीं पकड़ सकते? फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट आए हो क्या? इसीलिए मैं कह रहा था कि बोर्ड लेके खड़ा रहूं। मुझे लगा आप मुझे पहचान लेंगे सर। मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? तुम कोई सलमान खान हो जो मैं तुम्हें पहचान लूंगा? जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूं, मंकी साला। आप बहुत दूर से आए हैं, सफर में बहुत थक गए होंगे। मैं क्यों थक जाऊंगा? मैं कोई लंदन से भाग कर आ रहा हूं क्या? वहां पर फ्लाइट में बैठा, यहां पर आकर उतर गया। ओके सर, साहब बड़े सिद्धांत वाले। ये है रघुपति जी के छोटे भाई। हेलो संदीप जी। और ये सब कौन है? ये सब हमारे आदमी है सर। आदमी मतलब? ये पीछे रहते हैं। पीछे रहकर क्या करते हैं? दुखा तो सिर दबाते हैं। क्या दुखा तो? सर सर सर, ये बम लगाएंगे जब आपका सर दुखेगा, ये मसाज करेंगे, ये ड्राइविंग करेंगे। ये होती है क्लैरिटी। हाँ। क्लैरिटी होना चाहिए वहाँ पर, नहीं तो मैं जाकर वहाँ कॉफी नहीं पीऊंगा। इन्हें क्लैरिटी बहुत पसंद है, याद रखना। आइए चलिए संदीप। चलिए आइए। बेटे का फोन है। हेलो। हाय डैड, लड़की कैसी है? सुंदर है ना? ऐसी लड़की पाने के लिए तुम्हें हजारों बार जन्म लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच डैड। काफी सुंदर और संस्कारी बच्ची है। आज के बाद नो गेट टुगेदर, नो पार्टीज, सब कुछ खत्म, समझे? तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस तुम्हारी पत्नी को ही। ये सारी कंडीशन तुम ओके बोलोगे तब मैं ओके बोलूंगा। श्योर डैड, नो डाउट्स। ओके गुड बाय। आप और आपका बेटा काफी क्लोज फ्रेंड है शायद। हमारे घर में सब ऐसा ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम लोग काम में कितने भी बिजी हों, रात का डिनर हम लोग सब साथ में करते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सब लोग शेयर करते हैं। तभी तो माँ हो, बेटी हो, लड़का हो, बहू हो, सब हैप्पी रह पाएंगे। सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप कुछ नहीं बोलेंगे? मेरी फैमिली को तो आपने देखा, इसकी पढ़ाई और कैरियर तो मैंने इस पर ही छोड़ दिया है, सिर्फ शादी की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, इसलिए हर बात पर ध्यान रखता हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। It's great privilege to getting relation with you and your family. Thank you so much. मैंने भी आपकी फैमिली के बारे में बहुत सुना है। हमारे घर की बेटी आपके घर में बहू बनकर जाएगी तो हमें बहुत खुशी होगी। इसी हफ्ते में एक अच्छा समहूर्त निकालकर शादी कर देते हैं। समधी जी, एक 5 मिनट के लिए आपसे अकेले में बात करनी थी। अगर आपको कुछ लेन देन की बात करनी है तो आप यहीं बात कर सकते हैं, हम सब एक हैं। नो नो नो, इट्स पर्सनल, प्लीज कम। व्हाई नॉट, चलिए बोलिए। कैसे कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या है ना, इस रिश्ते से हम लोग तो खुश हैं पर शायद वो खुश नहीं है। मुझे लगता है शायद ये रिश्ता उसको पसंद नहीं है। जो खुशी आपके चेहरे पर है वो आपकी बेटी के चेहरे पर नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक छोटा सा डिस्टर्बेंस हुआ था पर अब वो सब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया है ऐसा हम समझ रहे हैं, पर आपकी बेटी के चेहरे से नहीं लगता। आजकल के लड़के कैसे हैं आप जानते हैं, शादी के बाद भी हैरेस करते हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है। अगर हम आपकी बेटी को शादी करके ले गए, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम वहां पर खड़ी हो गई तो लीगली हम लोगों को बहुत परेशानी हो जाएगी। ऐसे मैंने काफी केस देखे हैं। आप कुछ ज्यादा ही सोच नहीं रहे हैं। जो होने वाला है वो मैं सोच रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पूछताछ करने या आपको जलील करने के लिए नहीं लाया हूँ। सब क्लियर हो गया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये शादी उस लड़के के सामने होनी चाहिए। उसके सामने मेरा बेटा मेरी बहू के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा, तभी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग विटनेस हो। मुझे आपसे ये रिश्ता तोड़ना नहीं है, इसीलिए मैं सब कह रहा हूं।
हमारे इस रिश्ते में कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। यू आर राइट, आपका क्लैरिफाई मुझे अच्छा लगा। मन में कुछ रख करके शादी के बाद परेशान होने से अच्छा है कि अभी ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। इसी तरह हर बात ओपनली डिस्कस करने वाली फैमिली ही मुझे चाहिए थी। मेरी बेटी को वैशु नाम न लेकर उसे बहू कहा, यही बात मेरे लिए बहुत है। मेरी बेटी आपके घर में खुश रहेगी ऐसा मुझे लगता है। उसे बुलाना पड़ेगा, इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सीमा, पर वहां तक ले आए हैं हम एक लड़की को अपनी गलती सुधारने के लिए। ज्यादा समय नहीं लगता है, पर लड़की के पिता को उसे सुधारने के लिए उसका पूरा जीवन कम पड़ जाता है। ठीक है, उसे बुलवा लेंगे। मेरी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करूंगा मैं। नहीं आएगा वो, अगले 10 दिन में अमेरिका जाने वाला है। लड़की नहीं देगा यही कहा था ना, तो अब तुम लोगों को क्यों भेजा उसने? जाइए, कोई हो ना हो उसके साथ हम हैं, उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। प्यार कोई खिलौना है? उसका बाप हो सकता है गुस्से में कहा हो, उस पर क्या बीत रही शायद तुमको नहीं पता। छोड़ने का वादा किया था ना, और वैसे भी उस लड़की को परेशान करने वाला कैरेक्टरलेस कैरेक्टर नहीं हमारा दोस्त, जाकर बोल दीजिएगा उससे। तो बताओ। बताने के लिए कुछ नहीं है, अगर वो आने के लिए रेडी हो भी जाएगा। अब तुम खुश हो ना? तुम्हारी आंखों के सामने शादी करने की जरूरत मुझे क्यों आ पड़ी है? अगर इसे तूने एडवांटेज में लेकर कही। अगर मैं एडवांटेज लेने वाला होता तो आप शायद मुझसे ऐसी बात नहीं कर रहे होते सर। एडवांटेज तो आप ले रहे हैं। दुनिया में सबसे नफरत करने वाली चीज क्या होती है पता है? नापसंद लोगों के साथ रहकर भी घूमना पड़े। भाई इसका क्या करें? लेकर जाओ इसे उनके सामने, उन्हें कुछ क्लियर करना है। वैशु से तुमने सच में प्यार किया था क्या? हाँ सर। तो उस लड़की को तुमने छोड़ क्यों दिया? इसकी क्या वजह हो सकती है? प्यार किया इसलिए छोड़ दिया सर। अपनी प्रेमिका की शादी अपने आंखों के सामने देखने के लिए तुम तैयार हो गए? उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा उसकी जिंदगी में कभी नहीं आओगे, मुझे विश्वास है। आखिर में अपनी गौतम की वजह से हफ्ते भर फ्री फूड फ्री बेड। घर तो बहुत बढ़िया है यार। हाँ बिल्कुल विष्णु जी जैसे। हाय 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 हाय। हेलो सर। नमस्ते। बैठो बैठो बैठो, इधर बैठो। मेरा नाम विश्वनाथ है। कौन सा नाथ? विश्वनाथ फ्रॉम लंडन। ओ सर, जानने के लिए पूछ रहा हूँ क्या आपके शहर में लड़कियाँ खत्म हो गई जो यहाँ आना पड़ा शादी के लिए? हो सकता है खत्म हो गई हो। हाँ लड़कियाँ हैं पर हमारे स्टेटस के लिए। सही है सही है। हाँ जैसे तुम्हारे फ्रेंड की लव स्टोरी ऐसी और कोई है? क्यों नहीं सर, है ना। बताओ बताओ बताओ। नहीं सर छोड़िए अभी नहीं। अरे बताओ ना कोई लव स्टोरी बताओ ना। वो 2002 था, मैं कबड्डी खेलने के लिए कर्नूल गया। गौंडर एंडी बुक सेंटर के पास खड़े होकर बात कर रहा था, तभी एक लड़की पीछे भागता हुआ आया। मैंने कुछ नहीं सोचा, जाकर एक खींच कर दे दिया। वो लड़की आकर मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसको मारने के बाद पता चला उसका नाम बुल रेड्डी है और वो एक बहुत बड़ा फैशनिस्ट है। फिर भी मैं डरा नहीं और उस लड़की का हाथ पकड़ के भागा। उसके बाद उस लड़की को ले जाकर वाइजा के लाइट हाउस में छुपा दिया। तब वो बताई, मेरा नाम सपना है, मुझे अमेरिका जाना है। बस अमेरिका जाने की भी तैयारी कर लिया, 10 दिन भी पूरे हो गए। सपना को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकला, मुझे न्यू कैब सिम खरीद के दिया। बाइक किक मारते समय पता चला कि वहाँ से सपना नहीं मेरा दिल जा रहा था, पर मेरा प्यार उसके अमेरिका के रास्ते में नहीं आना चाहिए सोचकर उस लड़की को अमेरिका भेज दिया सर। मैं अपने प्यार को अपने दिल में ही दफना दिया सर। सुपर लव स्टोरी, सुपर लव। मैं अपनी वाइफ को बताऊंगा जाके। जाइए जाइए सर। रुला दिया तूने ना।
क्लैरिटी ना रहने पर कॉफी भी नहीं पीता है। फिल्म और रियल लाइफ में फर्क नहीं समझता ये। गौतम जरा सोचो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। क्या गलत है? वैश्यू को धोखा दे रहे हो। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, उसके अच्छे के लिए उसको छोड़ दिया। क्या अच्छा, उससे प्यार क्यों किया? अगर यही करना था तो प्यार नहीं करते, ये क्या बात हुई? प्यार कोई खिलौना है? उसका बाप हो सकता है गुस्से में कहा हो। गुस्से में कहा हो या फिर डराने के लिए, वो बातें काफी पेनफुल हैं यार। ये सारी बातें तो तू हमें बता रहा है, पर अगर वैश्यु तुम्हारे सामने आकर आंखों में आंखें डालकर पूछेगी तो क्या जवाब दोगे? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी क्या? मेरे घर में ये सब नहीं चलता कहने के बावजूद भी लव सिंसियर है और मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगा। अब सबके सामने मुझे पागल बनाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, अब जो हुआ सो हो गया। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। चलो पहले यहाँ से चले जाते हैं, फिर बाद में वो लोग खुद ही संभल जाएंगे। ए, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे भगा कर ले जाने के लिए कह रही हूँ। इस तरह पत्थर के बुत की तरह क्यों खड़े हो? चुप रहो। भगा कर ले जाऊँ तुम्हें? कहाँ भगा कर ले जाऊँ मैं तुम्हें? अकेली को भगा सकता हूँ मैं? पूरी फैमिली को भगा के कहाँ ले जाऊँ? और वैसे भी मुझे एडजस्ट होकर मिलने वाली फैमिली नहीं चाहिए। मैं बचपन से ही सारे रिलेशन के लिए तरस रहा हूँ। मुझे तुम भी चाहिए और तुम्हारा परिवार भी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक मिले ये मुझे मंजूर नहीं है। तुम मुझे इस तरह मझधार में छोड़ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है। प्यार का मतलब ये नहीं है वैश्यू कि हम अपने बारे में सोचकर ही प्यार करें। हमें हमारे प्यार के साथ अपनों की इज्जत का भी ध्यान रखना चाहिए वैश्यू। बबली गांव की निवासी श्री राधु की पत्नी यद्दू जी की बेटी वैष्णवी की लंदन गांव के निवासी। पंडित जी, लंदन जो है वो एक छोटा सा पहाड़ गांव नहीं है, वो एक बड़ा शहर है। क्षमा करिए, वो आदत हो गई है ना। तो देख लीजिए, लंदन के रहने वाले श्री विश्वनाथ जी के इकलौते पुत्र की मंगनी आज की जा रही है। अब आप लोग फल का आदान प्रदान कीजिए। छी छी, पानी चेंज हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है। ये सब पे ध्यान मत दीजिए, काम चालू रखिए। अब विवाह का मुहूर्त बताता हूँ। आने वाले फागुन मास में शाम को 7:15 पर शुभ मुहूर्त निकाला गया है। अब दोनों परिवार इस शादी की धूमधाम से तैयारियां करें। अब आप लोग खड़े होकर के एक दूसरे को बधाइयां दें। दुनिया में तेरी जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। कितनी प्यारी लड़की हो, कैसे छोड़ने का मन कर रहा है? वैश्यू को अपने माइंड से निकाल दिया, कहा ना दोबारा ये टॉपिक मत निकालना। बर्बाद होने को लिखा है, तू क्यों हमारी बात सुनेगा? अंकल अंकल चलो ना हमारे से हाउसी खेलो। भागो 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 भागो। ए हम क्यों खेले हाउजी, हम क्यों खेले? जिनके पास बड़े बड़े घर है वो खेलेंगे हाउजी। हाउजी खेलने के लिए बोला, चल यहाँ से नहीं तो मारूंगा तुझे। चल नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। मारेगा, हमने काफी लोगों को देखा है। निकल रहे, निकल रहे। इसे शॉट कहते हैं। तुम जो समझ रहे हो वो शॉट नहीं, इसका नाम टकीला है। टकीला? अच्छा लगता है क्या? बहुत अच्छा लगता है। बाय द वे माय नेम इज जेम्स कॉर्नर। जेम्स कैमरन तो डायरेक्टर है ना? वो फिल्म का डायरेक्शन करते हैं, मैं लाइफ का डायरेक्शन करता हूँ। ब्रोकर है रे। हेलो मंकी, दोबारा ब्रोकर बोला तो तुम्हारी बत्ती से निकाल दूंगा। सेटलर कहने का, क्या कहने का? सेटलर। हाँ दैट्स गुड। साले साहब, तुम्हारी बहन एक दूसरे के लिए हम किसी से कम नहीं, एक कमरे में बंद है क्या? मतलब? अरे प्यार मोहब्बत इश्क सपना। ऐसे पूछने सच्चाई की किसी तरह हेल्प करो। कर सकता हूँ, बट इज टू लेट। तो हमारे दोस्त का क्या हाल होगा? होगा क्या? बॉम्बे में वो लंबे बाल वाले गायक का नाम क्या? हिमेश रेशमिया। हिमेश रेशमिया, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। ए, ये क्या चल रहा है नॉनसेंस? तुम्हारी एज क्या और उनकी एज क्या है? बच्चों को बिगाड़ रहे हो यहाँ पे, जाओ जाकर सो जाओ। सॉरी माय बाप, आप जाके सो जाइए, मैं ये लास्ट पैक लेके जा रहा हूँ। जाइए जाइए जाइए। सुनो जाइए। तुम्हें लड़के के पिता से डर लगता है ना? काहे का डर? मेरा कमीशन हाथ में आने के बाद वो कौन मैं कौन? कुछ भी बोलो, थोड़ा तो अच्छा ही है ना? अच्छा, वो इतना अच्छा है क्या? ब्रदर, इंसान दो प्रकार के होते हैं, एक शिट बुलशिट। एग्जैक्टली।
जो इंसान शिट होते हैं वो मेरे जैसे आगे बढ़ते हैं। जो बुल शिट होते हैं उनको नमक की तरह चक के देखना पड़ता है उनमें से। ये वो नाम के लिए लंदन में रहता है, वो तो एक लेबर है। तेरी तुम्हें रोज टकीला लगाता है। वो यही है। है तो क्या उसकी माँ की भैंस की। ए, गाली क्यों दे रहे हो तुम मुझे? ऐसा क्यों समझ रहे हो? बस यूं ही दारू ज्यादा होने को जैसे समझ रहा हूँ। वो भी यही सोच रहा होगा। सुबह सॉरी बोल दूंगा। अभी खेल खत्म, दुकान बंद। इसी में तो मजा है। अरे थोड़ा सा मुझे भी दो ना। मुझे तो बता दिया, मुझे से मांग रहा है। सर, रात में मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया क्या? गलती हो गई सर। कोई बात नहीं, छोड़ो। सर, रात में मैंने कुछ बोला ना मैंने? बार बार एक ही बात को हनुमान चालीसा की जैसे पढ़ रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? मैं आपसे माफी मांग रहा था। ठीक है, एक काम करो। बोलिए। एयरपोर्ट जाओ। हाँ, एयरपोर्ट गया। मेरा लड़का आ रहा है। हाँ, उसको लेकर आओ। लड़का यानी चंद्रबाबू आ रहे हैं? हाँ, चंद्रबाबू। चंद्रबाबू मेरा लड़का। हाँ, आपका लड़का। हाँ ठीक है सर। इडियट। ए रवि कुमार। नहीं याकूब। याकूब हो? तुम्हारे लिए फोन है। सर फ्लाइट तो आ गई, आपका लड़का अभी तक नहीं आया। आएगा। आएगा? कब आएगा सर? कब आएगा मुझे पता नहीं, पता भी होगा तब भी मैं नहीं बताऊंगा। तूने कुछ ज्यादा ही परेशान कर रखा है मुझे। तुझे बहुत चर्बी चढ़ गई है ना, दो तीन दिन वही पड़ा रहेगा तो चर्बी उतर जाएगी तेरी। किससे कैसे बात करते हैं ये पता चल जाएगा तुझे। सर सर सर, मेरे पास ज्यादा पैसा भी नहीं है खर्च के लिए। तो जाकर किसी की माँ। क्यों साहब गाली दे रहे हो, मैं ही एडजस्ट कर लूंगा। अगर तुम मेरे लड़के को साथ में नहीं लाए तो मैं तुम्हारे खिलाफ चीटिंग केस करके तुम्हें अंदर डलवा दूंगा। ऐसा मत कीजिए सर, मैं आपके लड़के को लेके ही आऊंगा, मैं तब तक यही रहूंगा। फोन रख। बस बस। गौतम, जॉइंट फैमिली के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है? इससे पहले अच्छा ही हुआ करता था सर, पर कुछ लोगों से मिलने के बाद गलत साबित हुआ सर। हाँ गौतम, तुम्हारा लव फेल हो गया। अब तुम किससे शादी करोगे? किसी से क्या करूंगा, जिससे प्यार किया उसी से शादी करूंगा। कैसे? कैसे भी। कैसे के क्या मतलब, क्लियर करो इस बात को। क्यों भाई, दूसरी लड़की से प्यार करके शादी करेगा तो क्या मार दोगे उसे? अगर वो भी फेल हुआ तो? क्यों फेल होगा, क्यों फेल होगा, क्यों फेल होगा जी? बस आप लोगों को सक्सेस मिलेगा, हम लोग फेल होते रहेंगे। हमारे नसीब इतने खराब हो गए, हर बार ऐसे लोग मिलते रहते हैं। अरे इतना सीरियस क्यों हो रहा है तू? मैं तो जोक कर रहा था। होगा तो हम भी इससे अच्छे जोक मार सकते हैं। ए, 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 गौतम, दूसरे के अगर खाना खाने आए हो तो पत्ता आगे की तरफ मोड़ते हैं, पता नहीं तुम्हें। फैमिली के साथ होता तो ये सब पता होता। पता नहीं कहां पैदा हुआ है और ऊपर से अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ है, ये सब संस्कारी बातें से कैसे पता होंगी, ये तो अनाथ। सर एक छोटी सी बात है, मुझे रीत रिवाज पता नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ। किसी के घर दावत के लिए जाते हैं तो पत्ता आगे की तरफ मोड़ते हैं, ये बात तो मुझे पता है। जैसे आपको अपनी इज्जत प्यारी है, वैसे मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए मैंने पत्ता उलट दिया। Excuse me, sir. Hello, excuse me. सारे टूरिस्ट तो चले गए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कौन चाहिए? तुम हो क्या? आओ 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 आओ। कौन चाहिए पूछ रही है? ए, यहाँ क्या कर रहा है? फ्रेंड आने वाला है सर, उसका वेट कर रहा हूँ सर। लंदन से आने वाला है सर, इसे थोड़ा दूर रखिए सर। जाइए जाइए। हेलो। हाँ हेलो, यू हैव टू कम माय सन्स वेडिंग, या नेक्स्ट फ्राइडे विथ फुल फैमिली। यस विथ फुल फैमिली। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। आप भी पियेंगे? नहीं, बीवी मारेगी मुझे। लव मैरिज है ना। हाँ। वैसे अमेरिका फ्लाइट में भेजने के बाद उस लड़की से तुम कभी मिले क्या? मतलब
तू है कौन रे? मैं हूँ रॉयल बंगाल का टाइगर मिस्टर रॉय। 2008 दोनों एक ही कॉलेज में बीटेक पढ़ाई के लिए ज्वाइन हुए। ओहो, फिर तो बहुत रोमांस हुआ होगा। रोमांस कहाँ का रोमांस, जो एसटीडी बूथ हम दोनों के मिलने का कारण है वही एसटीडी बूथ हम दोनों के झगड़े का कारण है। कौन सा, वो गोंडा बुक सेंटर? नो, हमारे कॉलेज के पास भी एक एसटीडी बूथ है। डेली मैं उस एसटीडी बूथ से गीता के साथ बात करता था। वो गीता कौन है? मेरी माँ। ओ, आपने जैसे मेरे बात पर विश्वास किया उसने नहीं किया। कौन है गीता, गीता कौन है? हर बार यही सवाल। एग्जाम पास आने पर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते समय हवा लगकर साड़ी सरक गई, कमर देख लिया। क्यों, अगर आपको दिखेगा नहीं देखोगे? क्यों नहीं, लंदन में काफी देखा मैंने। उसी तरह मैंने भी देख लिया, पर ऐसे देखना गलत है। बस इसीलिए एक फुल बोतल मार के सपना के घर में जो मेरी तस्वीर लगी थी उसको जाकर फाड़ कर फेंक दिया। हीरो, तुम्हारा प्यार वो सच्चाई थी। सपना तुम्हारे प्यार के लिए जरूर लौटेगी। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे रोना आ रहा है, पर क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जाकर भाभी को बताइए, काफी इंटरेस्टिंग है ना लव स्टोरी। चाहिए, एक हो गया, खुश भी हो गया। अगर इसने नेक्स्ट पूछा तो सिंघम। मुझे, तुम मुझे पुकार रहे हो क्या? उस दिन नशे में बहुत कुछ बोल गया था सर। कितना भी पिया हो इनर वॉइस तो वही है ना। जाइए ना सर। सर कुछ पैसे हो तो दे दीजिए, मैं निकल जाता हूँ। कैसे पैसे? मेरा कमीशन सर। कितना? 1,00,000 रुपए। दे दूंगा तो कहाँ जाओगे? मैं कहीं भी जाऊँ सर, आपके लिए 1,00,000 रुपए कौन सी बड़ी बात है सर। वैसे भी एंगेजमेंट से लेकर फर्स्ट नाइट तक तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होता है, तुमने ऐसा बोला था ना? वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, फर्स्ट नाइट में ब्रोकर का क्या काम है? ब्रोकर? हाँ। सेटलर कहा था तुमने? वो तो आपकी इज्जत के लिए कहा था सर। तुम्हारा पैसा बैंक में है समझो। बैंक पर मुझे भरोसा नहीं है सर। लेकिन मुझे कस्टमर पर भरोसा है। तेरी तो जाइए साहब, अंदर जाके सबसे गले मिलिए। इसकी माँ की आंख। नमस्ते। How are you? Fine. ये है तुम्हारी सास। नमस्ते। और छोटे ससुर जी। हेलो। हेलो। छोटी सास। अरे किसे ढूंढ रहे हो? हाँ? वैशो। अंकल, अगर मैं वहीं जाकर मिल लूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे? बेटी इधर आना तो। हाँ पिताजी। दीदी कहाँ पर है? दीदी ऊपर है। इसके साथ जाओ। हाय। हाय। तुम्हारा नाम क्या है? उषा। गुड, कैसी हो? सॉरी, बिना परमिशन के आपके रूम में चला आया, मगर आपके डैड ने परमिशन दी है। आई एम रवि। आपने नाम नहीं बताया? वैष्णवी। वैष्णवी बहुत सुंदर नाम है, उससे ज्यादा आप सुंदर हैं। हेलो, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया। थैंक यू। एक्चुअली लोग कहते हैं कि गांव की लड़कियां काफी शर्माती हैं, बट मैं एकदम खुले विचार का हूँ। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो मुझसे कह सकती हो। मुझे आपसे शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं ऑलरेडी गौतम नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ, जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करवाई जा रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, शादी के बाद मैं आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। ओह गॉड, मैंने आपसे कुछ कहा, आपने अपनी किताब ही खोल दी। ओके, मैं शादी से इनकार करूंगा, बट मेरे इनकार करने से तुम्हारी शादी तुम्हारे डैड उस गौतम से कर देंगे, क्या गारंटी है? सो मैं आपको क्यों छोड़ू? लेट मी बी सेल्फिश, मंडप में मिलते हैं। क्या सर, आराम से बैठकर हिसाब कर रहे हैं? हाँ, बहुत सारा कैश आना है। पैसा मांगते वक्त सब लोग आंख दिखाने लगते, अकड़ 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 दिखाते हैं। तो कुछ करते नहीं, देने को तैयार नहीं। पैसे के बिना बहुत प्रॉब्लम होता है।
वो मुझे 1,00,000 देते, अंबानी की लड़की के साथ उस लड़के की शादी करा देता, अब तक सुहागरात भी हो जाती। एग्जैक्टली तुम लोग ये बात मेरे को पहले ही बता देते, इनकी शादी में उसी लड़की से करा देता। ये कुफली लम्बू उस लड़की के लायक है क्या? कौन सा कुफली? वो जो आ रहा है देख, उसके बाप को देखो, इसको देखो कैसा लग रहा है। व्हाट जेन, कोई डिस्कशन चल रहा है क्या? बात चल रही है लंदन में, तुम क्या कर रहे हो? आई एम रवि। हाय। हेलो। हाय। हाय गौतम। या वैशु से मिला, वो नाम के लिए मुझसे शादी कर रही है, मगर दिल तुम्हारे पास है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तुम ग्रेट हो बॉस, उस परी को क्यों छोड़ दिया? मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि वैश्यो के साथ कितनी जल्दी शादी हो जाए, उसे लेकर लंदन चला जाऊं। इन हैप्पी मोमेंट्स में इतनी देर नहीं लगाता। इंडिया है ना, अगर यही लंदन होता तो अब तक मैं कब का सुहागरात मना लिया होता। क्यों लंदन इंडिया की बुराई कर रहे हो? तुम्हें यहाँ के बारे में पता नहीं है, उससे खतरनाक लोग यहाँ है। यहाँ के भाई लोगों का नाम नहीं सुना? नहीं नहीं सुना? नहीं। मैं बताऊंगा, शाम को तुम तैयार रहना, वहाँ इस देश का जलवा देखना। सिंगापुरे सोलापुरे, मेरी जवानी है कोल्हापुरे।
क्या ही है? मैं घर से आ गई हूँ, चलो कहीं भी चले जाते हैं। कहाँ जाएंगे? कहीं भी। प्लीज गौतम, प्लीज, मैंने काफी ट्राई किया, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं किसी और के साथ नहीं जी सकती। सॉरी वैशु, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है। प्यार में भाग के जाना, ये बातें काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं। हमें अगर खुशी से जिंदगी गुजारनी है तो वो हमारे शादी के तरीके पर निर्भर करती है। पागलों की तरह बातें मत करो, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, जिससे प्यार किया उसी से शादी करना, उसी के साथ घर संसार बसाना, सुख हो या दुख हो किसी भी तरह किसी भी हालत में उसी के साथ जिंदगी गुजारना। परिवार की खुशी के लिए मैं किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकती। तुम लोग इसे समझाते क्यों नहीं? तुम क्या पागलपन कर रहे हो तुम्हें खुद पता नहीं। ये क्या है, इतने दिनों तक फैमिली वाली लड़की चाहिए कहा ना, अब मिल गई है ना, तो लेकर जाता क्यों नहीं? इसके बाप ने कहा तुझे अपनी लड़की नहीं दूंगा, और जब ये खुद आना चाहते अपनाता क्यों नहीं? वैशु तुम जाओ, ये क्यों नहीं जाता, देखते हैं। किसका दुख है, कैसा दुख है, दुख क्या होता है तुम्हें पता है? इस दुनिया में जब इंसान परिवार के बिना अकेला जीता है ना, तब उसी को पता होता है कि दुख क्या चीज है। वही असली दुख है जो दिल के करीब होते हैं, जब वो सारे लोग हमसे रूठ जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। तब मन ही मन में हम अपने आप को कोसने लगते हैं, इसे दुख कहते हैं। जब एक अकेला रूम में बैठकर अपने मां बाप के बारे में सोचने लगता है ना, उस वक्त उस पर क्या बीतता है वो वही जानता है, तब ये दिल रोता है। ये तुम क्या जानो, मैं इसको अपनाकर इसके परिवार को दुखी नहीं कर सकता। मतलब प्यार करने से पहले तुमने ये सब सोचा क्यों नहीं? अरे गलती हो गई मेरी माँ, गलती हो गई। मैं फिर कहता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे भूल जाओ, चलो जाओ। तुम मुझे भुला पाओगे? क्या है यार, हमारे ना बोलने के बाद भी हमें जबरदस्ती ले आया, सिर्फ ये बोलने के लिए कि क्या जरूरत थी उससे दोबारा मिलकर उसको डिस्टर्ब करने के लिए। यार उन्होंने मुझे अपनी जगह खड़े होकर 2 मिनट सोचने को कहा, मैंने सोचा अगर वो भी मेरी जगह 2 मिनट खड़े रहकर सोचते तो उन्हें भी मेरे दर्द का एहसास होता। 7 फेरे लेने तक मुझे उम्मीद है यार, पर मैं उस होप को वैशु को नहीं बता सकता यार। अगर ऐसा कुछ होकर उसे शादी करके जाना पड़ा तो वो खुशी खुशी जानी चाहिए। दर्द सहने की तो मुझे आदत सी पड़ गई है। सुनिए, कल शाम 7:30 बजे तक दुल्हन को अच्छी तरह से तैयार कर दीजिएगा, उसी तरह दूल्हे को भी तैयार कर दीजिए, क्योंकि विवाह से पहले गौरी पूजा कराना आवश्यक है। तो कीजिए ना। कर सकते हैं पर बुआ। अगर कोई बुआ नहीं होती तो? अगर कोई बुआ नहीं होती तो चल जाता, लड़की की बुआ है, ये सब शुभ कार्य बुआ को ही करना पड़ता है, क्योंकि बुआ ही पहला आशीर्वाद देती है। वो नहीं आएंगी, अगर मैं खुद जाकर बुलाऊं तो भी नहीं। बिन बुलाए मैं चली आई हूँ। दीदी आ जाओ। चल हट। कैसी है दीदी? तुम कार्ड नहीं भेजोगे तो क्या मैं नहीं आऊंगी? बेटी को मैंने गोद में खिलाया है, उस पर मेरा भी हक है। दीदी ऐसी बात नहीं है। दीदी क्या बात नहीं है? दीदी को तू भूल सकता है, मैं अपने भाई को नहीं भूल सकती। वैशु कहाँ है? आइए ना दीदी। जीजा जी भी आते तो अच्छा होता। दीदी मैं तो बेशरम बनके यहाँ आ गई, पर तेरा जीजा यहाँ नहीं आने वाले। मुझे माफ कर दो दीदी, आपकी बात को मैंने एक बार फिर ना किया, मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता था।
इसलिए मैंने आपको ना कर दिया। हमारी नाराजगी ठीक है, मगर वैशु से तो मैं नाराज नहीं हूँ। वो गौतम छोटी बच्ची है वो तो दीदी, उसे क्या समझ में आएगा, बाद में खुद ही सब समझ जाएगी। आप बड़ा दिल करके आई हो ना, यही मेरे लिए काफी है। उस दिन मेरी इतनी बेइज्जती होने की बात, मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आना चाहती। मैं यहां सिर्फ गौतम के लिए आई। रघुपति नायडू जी के घर से आया हूं वैश्य की शादी के बारे में आपसे बात करने के लिए। उसके अलावा कोई और बात कहो, मुझे और बेइज्जत नहीं होना है। तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? मेरा नाम गौतम है, मैं और वैशु एक दूसरे से प्यार करते हैं। फैमिली ना होने के कारण आपके भाई ने मुझे ठुकरा दिया। गलती मेरी है आपके भाई की, यही जानना चाहता हूँ। मेरे भाई से कोई गलती नहीं हो सकती। गलती की है ये आप भी जानती हैं, और ये वो भी फील कर रहे हैं। जैसा आपके साथ हुआ वैसा उनकी लड़की के साथ ना हो, इसलिए मुझे नहीं अपनाना चाहते। तुम्हारी जो भी नाराजगी है वो तुम्हारे अपने भाई से है, वैशु से नहीं है ना। वो जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे के साथ करा रहे हैं। यानी आप उसके बुलाने पर आई हो मेरे यहाँ? तुम यही समझ लो, तुम अपने भाई को समझाओगी तो वो खुशी खुशी तुम्हारी बात मान जाएगा। ये बात अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो वो कभी नहीं मानेंगे। उसके कहने पर ही मैं यहाँ आई हूँ। दूसरों की भावनाओं को समझो तो प्यार करने वालों का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, उसे तुम अपना लो। अगर मैं एडवांटेज लेने वाला होता तो आप शायद मुझसे ऐसी बात नहीं कर रहे थे सर। एडवांटेज तो आप ले, किसी से क्या करूंगा, जिससे प्यार किया उसी से शादी करूंगा। किसी से क्या करूंगा, जिससे प्यार किया उसी से शादी करूंगा। आइए, प्लीज बी सीटेड। यस गो, थैंक यू सर, प्लीज कम। गौरी की पूजा पूर्ण हो गई, कृपया बच्ची को अच्छा कपड़ा पहना कर के ले आइए। चलो बेटा, चलो बेटी, कम जाइए, कम चलो भाई, चलो चलो। शादी की पूरी तैयारी हो गई है भैया, अच्छी बात है। वो जाते समय गौतम के दोस्तों को भी कपड़ा दे देंगे भाई? उन्हें क्यों, जरूरी है भाई, उन्होंने हमारा साथ दिया, ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ये लो, तीत लो। सुनिए, यहाँ खड़े रहने से अच्छा मंदिर के फेरे लगा लीजिए, बेटी के लिए अच्छा होगा। मेरी बेटी के साथ और क्या अच्छा होगा, मैंने जहाँ चाहा उसकी शादी हो रही है। आई एम सक्सेसफुल फादर। आपकी सक्सेस में आधा हिस्सा गौतम का भी है। चलिए, आइए दामाद जी, बैठेंगे? नहीं आप बैठिए, वैशु को अपने दोस्तों से मिलाना चाहता हूँ। अरे उसमें क्या, जाओ बेटी, जाओ जाओ, ले जाओ, नो प्रॉब्लम। गाइस, हे बड़ी, व्हाट्स अप मैन, माय गर्ल वाइफ वैशु। नाइस नेम यार, क्या यार, अपनी वाइफ का नाम खुद ही बताएगा, वो हमसे बात नहीं करेगी? ऐसी कोई बात नहीं है वैशु, मीट माय फ्रेंड्स। हाय हाय। तुम्हारी वाइफ तो पूरी तरह भारतीय नारी लग रही है, ये तो बहुत खूबसूरत है यार। थैंक्स यार, हम तो तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारी नजर कहीं और है, क्यों भाई, क्या बात है? वैशु तुम जाओ, तेरी तो लॉटरी लग गई यार, कमांड बड़ी, यू आर टू लकी। किस लिए? योर वाइफ टू सेक्सी यार, ऐसी बीवी अगर मेरे को मिल जाए तो मैं दिन रात पड़ा रहा हूँ उसके साथ। Hey, stop it, dear. Hey, तो वैशु के बारे में क्या कह रहा था? Hey, who is it, man? तुमने महाभारत नहीं पढ़ी है कि दानवीर कर्ण था? क्या, कौन कर्ण? छोड़ो, ये सब इस युग के कर्ण हैं। Hey, मेरी बीवी को सेक्सी का तो तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही? पत्नी को सिर्फ पति ही सेक्सी रूप में देख सकता है, पूरे गांव वाले नहीं। तू इतना क्यों जल रहा है,
तेरी नीयत तो खराब नहीं है? तेरी तो बस 2 साल के बाद पूरे परिवार के साथ आकर लंदन में सेटल हो जाए। भाई बाहर रवि गौतम झगड़ा कर रहे हैं। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके बाप के कहने पर पीछे हटाऊँ, मुझे नामर्द मत समझना। उसके पिता ने इज्जत से मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं आया हूँ। एक बात समझा देता हूँ, उसकी इज्जत पे कोई भी कीचड़ उछालेगा तो उसे शादी के मंडप में घुसकर ही मारूंगा मैं। गौतम आइए सर, इसको वैशु की अहमियत नहीं है सर, इसके सामने इसके दोस्त लोगों ने, इसलिए मैंने मुंह बंद रख अपना। क्या कर रहा है रे है? मेरी परमिशन के बगैर मेरी फैमिली से मिलना, उनको इंप्रेस करने की कोशिश करना। इस जन्म में मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता था, पर उसके पापा के कहने के बाद तुझे यहां पर क्यों बुलाया पता है? तो उससे प्यार करने की गलती की सजा मेरी बेटी को कभी भी मिल सकती है, इसलिए शादी के पहले ही सब कुछ क्लियर करने की जिम्मेदारी एक पिता होने के नाते मुझ पर है। इसलिए पसंद ना होते हुए भी मैंने तुझे बुलाया अपनी आंखों में पट्टी बांधकर। अब मेरी परीक्षा मत ले। प्यार का मतलब क्या होता है तुझे पता है? झूठी मूठी बातें सुनाकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाना प्यार नहीं होता है। जब मैं कहीं बाहर जाऊं अगर मुझे कुछ हो जाए, मेरी पत्नी के साथ मेरा पूरा परिवार होता है, ऐसा जो भरोसा है वो प्यार और वो भरोसा तेरे पास नहीं है। तुझे वैशु से तो क्या किसी भी लड़की से प्यार करने का हक नहीं है। सॉरी बेटा, इसकी गलती की वजह से मैं माफी मांगता हूं। सॉरी सॉरी एवरीबॉडी। आ जाओ बेटा। अभी तक जो हुआ काफी है, चुपचाप चल। वैशु के साथ अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, यही चाहता था ना। उस वक्त भगा ले जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या यार, तू कभी प्यार करता है कभी ठुकरा देता है, मेरी समझ में नहीं आता तेरी बातें। हे, तो अपने प्यार के चक्कर में अपने दोस्तों से मुंह मत मोड़ो यार। वैशु तुम्हारी लाइफ में नहीं है ये कन्फर्म हो गया। अगर हमें नहीं खोना चाहता हमारे साथ चल। चलो यारो। फिर क्यों यहाँ आए? मैं जा रहा हूँ सर, आपको एक बात बताकर जाने के लिए आया हूँ। सर एक मिनट, मैंने जानबूझकर झगड़ा नहीं किया था सर। वैशु के बारे में कोई गलत बोले तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता सर। उस दिन आप ही ने मुझसे कहा था सर कि मेरी जगह 2 मिनट खड़े होकर सोचो। आपकी इज्जत के आगे मैंने सोचा भी नहीं था और मैं वैशु की जिंदगी से हट गया। आज आप मेरी जगह खड़े होकर जरा सोचिए सर और फिर फैसला कीजिए। उसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। जैसा मैंने सोचा था वैसा तुम्हें भी जरा सोचना चाहिए। इसमें आपकी लड़की की खुशी और जिंदगी का सवाल है। मुझे उम्मीद है ये सब सोचने के बाद आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और आप सही फैसला लेंगे। गुस्से में किसी को भी झुका सकते हैं लेकिन प्यार किसी के आगे नहीं झुकता सर। मैं बचपन से परिवार का प्यार क्या होता है मैं नहीं जानता सर, इसलिए बड़े परिवार की लड़की से शादी करके सबका प्यार पाना चाहता था। मेरे ये कदम उठाने से पहले मेरा सपना मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर देगा मुझे पता नहीं था। मैंने बहुत से लोगों से भी कहा और बहुत बार कोशिश भी की, कोई मुझे नहीं अपनाया सर। हर किसी ने मुझे अब तक ठोकर ही मारा है सर। यशु को अब भी पता नहीं है कि मैं उसे चाहता हूं। मेरा प्यार आज उसके लिए एक बहुत बड़ी नफरत बन चुका है। ये बात सिर्फ मुझे और आपको ही पता है। दिल नहीं माना तो बुआ के पास चला गया इस उम्मीद से कि वो कुछ कर दे। आपने कहा वैशु को मैं हमेशा के लिए भूल जाऊं, ये तो मेरे जीते जी कभी संभव नहीं है सर। आपकी नजर में मेरी ये सबसे बड़ी भूल है लेकिन मेरी नजर में मेरा पैदा होना ही सबसे बड़ी भूल है, इसलिए हर कोई मुझे अब तक ठोकर ही मारा है। वैशु को यह बात पता नहीं चलना चाहिए सर।
सजा जो मिली है हमको सजा ये भी हम सह लेंगे। हाँ भुला दूंगा बातें तेरी मैं मिटा दूंगा यादें। हाँ हाँ चला जाऊंगा मैं दूर इतनी दूर के फिर ना मिलेंगे। కావాలని ఓడిపోయావు కదా వైఫ్, నీ సంతోషం కోసం ఏదైనా ఓడిపోతాను వైఫ్. कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सब लोग ध्यान रखना, ओके? ठीक है, चेक कर लो। ट्रैंक में पानी है या नहीं देख लो। ठीक है, देख लेंगे। देख लेंगे सर, देख लेंगे। क्यों रो रही हो तुम अभी? क्यों रो रही हो? हाँ? तुम ही बोलो दीदी, मेरे खोजे हुए रिश्ते में क्या कमी है? आखिर उस परिवार में क्या कमी है? शनि चला गया खुश होने के बजाय ये। डैडी बस कीजिए प्लीज। जिंदगी में रोने के अलावा क्या बचा है? मुझसे प्यार करने वाले को बहुत सजा मिल गई। उसके लिए तुम मुझसे चिल्लाकर बात कर रही हो, आखिर उसमें क्या है? क्या है तो आपके पास क्या है? प्यार ही है ना? तो उसके पास अनगिनत प्यार है। मेरी शादी जिस घर में होगी वहाँ बहुत रिश्तेदार होने चाहिए, ताकि अगर मुझे कोई भी तकलीफ हो तो घर में बताने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अगर गौतम के साथ शादी होती तो मुझे सब मिल जाता। परिवार का मतलब घर में भरे लोगों से नहीं, दिल में भरे प्यार से होता है। और उसके दिल में मेरे लिए प्यार को देखकर ही मैंने उससे प्यार किया। उसकी इस खूबी को आप देख नहीं पाए। जब आपने उसे मुझे छोड़ने के लिए कहा तो उसने आपकी मान रख ली, तो क्या आपको उसके अंदर कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आई? जब आपने उससे अपने प्रॉब्लम्स कही तो वो बिना हिचकिचाए यहाँ पर आके क्यों खड़ा हो गया? आपने उसे बात बात पर इतने ताने मारे, फिर भी वो चुपचाप सहता रहा। उसके बाद भी आपको उसके अंदर कोई इंसानियत नजर नहीं आया। मैंने तो उसे यहाँ तक कहा कि वो मुझे यहाँ से भगा कर ले जाए, तो उसने मुझसे कहा कि उसे इस तरह भगा कर नहीं ले जाना, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी। जो हमारे परिवार की इज्जत के बारे में इतना सोचता है आप उसे समझ नहीं पाए। मेरी शादी बड़े घर में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वहाँ मेरी शादी करवाने से आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी ना डैडी। आपने अपने हैसियत के मुताबिक एक अमीर दामाद चुना ना, ठीक है। गौतम को इस रिश्ते पर भी कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वो आपकी भलाई चाहता है। कोई लड़की खुशी से रहने के लिए उसको क्या सिर्फ बड़ा परिवार ही चाहिए? माँ, क्या तुम शादी के बाद पापा के साथ हर दुख सुख की बातें शेयर करती हो? पापा को ही बताती हो ना? मुझसे, चाची से, चाचू से, बुआ से शेयर नहीं करती हो ना? जब देखो आप मेरी दीदी खुश नहीं है, अपने ससुराल में खुश नहीं है कहते रहते हैं। बुआ एक अच्छे पति ना मिलने की वजह से खुश नहीं है ना पापा? ऐसे में बड़ा परिवार काम नहीं आता। अगर प्यार करने वाला पति मिल जाए तो दिल पवित्र मंदिर जैसा बन जाता है, सच कह रही हूँ ना? मैं ऐसा ही पति चाहती हूँ पापा, जो मुझे अपने दिल में बसा कर रखे। तो मैंने गलत किया क्या? यहाँ पर गलत वो या मैं नहीं हूं पापा, आप हैं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान को समझ नहीं पाए।
भारत देश में हर घर में लड़की है पापा। भाई बहन नाराज हो जाएंगे, माता पिता नाराज हो जाएंगे, ये सोचकर किसी से भी शादी करके पूरी जिंदगी खुश होने का नाटक करती है। मैं भी उनकी तरह जी लूंगी पापा। आपने गौतम को कहा था ना, आपके मर्जी के खिलाफ अगर हमने शादी की तो आप मुझे अनाथ कर देंगे, कहा था ना? आज सच में मुझे अनाथ बनाकर शादी करवा रहे हैं ना। एक बात कहूं पापा, लड़की अगर शरीर के साथ संसार करती है तो खुश रहती है, अगर दिल से संसार करती है तो और खुश रहती है। आपकी बेटी कैसी रहनी चाहिए ये आप ही डिसाइड कीजिए। क्या सोच रहे हो छोटे? दीदी मैंने क्या गलती की है? लड़की ने भी प्यार किया है, गुनाह नहीं किया। देख प्यार आखिर प्यार होता है, गुस्सा जोर जबरदस्ती इसमें नहीं चलता है। डर लग रहा है दीदी, आपको भी ऐसे ही भरोसा दिया था, पर चाहे कितना भी कमा लूं, चाहे कुछ भी हासिल कर लूं, फिर भी जीवन में अजीब सा डर है। वहां दीदी क्या कर रही होगी, कितनी परेशानियां झेल रही होगी, यही डर लगा रहता है मुझे जब मुझे पता चलता है कि आप लोग बहुत दुखी हैं। तो आप नहीं समझ सकती कि मेरे दिल में उस समय क्या गुजरती है। ये भाई का दिल दीदी आप लोगों के लिए बहुत तड़पता है, मैं किस तरह से आप लोगों को समझाऊं दीदी? इसलिए वैशु का प्यार सही होने के बाद भी मैं हां नहीं बोल पाया। छोटे अभी तू वक्त के बारे में मत सोच, बेटी के बारे में सोच। उसके खुशियों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। उसका क्या, शादी के बाद अपने पापा को, अपने मम्मा को, अपनी बुआ को, भाई बहनों को और पूरे परिवार को याद करके हमेशा उस परिवार में रोती रहेगी, कभी खुश नहीं रहेगी। अपनी इज्जत पूरी कर ले छोटे, तू खुश रहे। पर इस समय ये सब अच्छा लगेगा दीदी? छोटे सोचने के लिए वक्त नहीं बचा है, लड़की की जगह खड़े होकर देख जाओ। मुझे माफ कर दीजिए समधी जी, मेरी बेटी जिस घर में जाएगी वहां पर भरा पूरा परिवार होना चाहिए था, ऐसा सोचा था। पर उसे उस घर में वो सारे रिलेशन मिले या ना मिले, उसके हाथों में वो सारे रिश्ते होने जरूरी है, उसने साबित कर दिया। आई एम वेरी सॉरी, उसे दुख देकर उसकी जिंदगी के साथ मैं अन्याय नहीं कर सकता था, प्लीज। ये रिश्ता यहां पर खत्म हो जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं सबको क्या बताऊंगा, मैं अपने बेटे से क्या कहूं? दिस इज लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू द न्यूयॉर्क बाय एमिरेट्स एयरलाइंस, फ्लाइट नंबर AA101, प्लीज प्रोसीड टू बोर्डिंग टू गेट। कहां तक जाएंगे आप? न्यूयॉर्क। लेकिन वहां पर तो जॉइंट फैमिली होती नहीं है ना? दो मिनट तू उन्हें अपने बारे में सोचने के लिए कहा था तो तू सोचकर मेरी बेटी को छोड़कर चला गया। तेरे आने के बाद मैं तेरी जगह में आकर सोचने लगा, मैं तो दो सेकंड भी नहीं रह पाया यार, काफी भयंकर था। कैसे सह लिया तूने? ठोकर खाना फिर संभल जाना फिर एडजस्ट हो जाना, ये सब बचपन से आदत हो गई है सर। आज से तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, वैश्य तुम्हारी है और ये फैमिली भी तुम्हारी है। और वैशु की शादी रुक गई? हाँ रुक गई। आजकल प्यार करने वाली लड़की की शादी तय हो जाती है तो हमारे पास SMS हैं, लव लेटर हैं, रोमांस के वीडियोस हैं, ये कहकर ब्लैकमेल करने वाले लड़कों को मैंने देखा है। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है,
तुम जैसे सिंसियर लड़के के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यू आर द राइट पर्सन टू वैशु एंड हर फैमिली एंड ऑफ कोर्स यू आर द राइट पर्सन फॉर एवरी फैमिली। नमस्कार। नमस्ते समधी जी। ऑल द बेस्ट बॉस। थैंक यू सर। थैंक यू बॉस। चलो घर जाकर वैशु को भी कन्विंस करना है, तुम पर और मुझ पर बहुत गुस्सा है। आप कन्विंस कीजिए, मैं अभी अकेला हूं। भगवान सबको सब कुछ नहीं देता, ऐसे सब दे देंगे तो लाइफ बोर लगने लगेगी, इसलिए हमें जो चाहिए वो हमें ही पाना चाहिए। अगर विश्वास, ताकत, मेहनत है तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिल सकता, वो चाहे सामान हो या इंसान। गौतम उठो ना, टाइम देखो कितना हुआ, कॉफी पी लो। अरे और थोड़ी देर सोने दो ना। वैसे कॉफी शर्म नहीं आता, उठो उठो जल्दी जाके फ्रेश हो जाओ, चलो उठो चलो। सुनो ना वैशु, अरे वो वैशु वैशु सुनो ना वैशु। जीजू पेपर, जीजू पानी गरम है। खालो बेटा, खालो बेटा, खाओ खालो खालो बेटा, खालो थोड़ा और, थोड़ा और जीजू, खाओ खाओ बेटा, खालो। इतने लेट कैसे हो गए? अरे ऑफिस में थोड़ा सा काम, लाओ पकड़ना यार। ये लो, ये लो तुम्हारे लिए। कॉफी लो। मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही। किस लिए वेट कर रहे थे? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। लो बेटा ये दवाई खा लो, जल्दी से ठीक हो जाओगे। चलो अब आराम करो। बेटी अब तो तुम खुश हो ना? वेरी नाइस डैडी।